नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे जेके पीएसआई की फ्री लेक्चर सीरीज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसमें फ्री लेक्चर सीरीज में रहेगा आपके जितने भी 5 मॉक्स जो हुए हैं जेके पीएसआई के, वो 5 मॉक्स रहेंगे, और साथ में रहेगा करंट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सिलेबस में उसको डिस्कस करेंगे। साथ में करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, अराउंड 200 तक एमसीक्यू होंगे जो कि लास्ट 6 मंथ प्लस अक्टूबर तक जितना भी करंट अफेयर होगा उसको हम कवर कर देंगे, जनवरी से लेके या फिर पिछले 2021 से जितना भी करंट मेरा होगा, क्योंकि करंट अफेयर इतना पोर्शन तो नहीं होता है जेके पीएसए में। पिछली बार भी क्वेश्चन बहुत कम दिखे थे क्योंकि स्टैटिक पोर्शन ही मेन सिलेबस है, बट स्टिल आई थिंक कि करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन अगर नॉर्मल आते हैं तो उसको भी कवर कर दिया जाए, तो वो हम कवर कर देंगे। नेक्स्ट जो करंट अफेयर रहेगा वो जेके पीएसआई जेके एसएसबी के जो जेके पीएसआई का एग्ज़ाम है प्लस आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है या फिर अदर कोई एग्ज़ाम है जेके एसएसबी का, तो करंट अफेयर सबके लिए सेम रहेगा, वन लाइन का क्वेश्चन रहेंगे, तो वो हम करंट अफेयर का कर देंगे। 5 मॉक हम डिस्कस इसलिए करेंगे फुल लेंथ जेके पीएसआई के, ताकि आपका जीके वाला पोर्शन जो है जनरल नॉलेज वाला है जिसमें आपको इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड ऑल दैट दैट इज़ गिवन इन द सिलेबस वी विल डिस्कस, सो दैट यू हैव एन एज। और टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक सेंसिस काफ़ी न्यूज़ में है उसको हम डिस्कस करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को और इकॉनमी के कुछ टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, जो ज्योग्राफी में जैसे ज्योग्राफी में एरिया जो न्यूज़ में रहे हैं अभी रिसेंटली, जैसे रशिया और यूक्रेन का रहा है और आर्कटिक ओशन में जितने भी ये न्यूज़ में रहे वो चीज़ें हम कवर करेंगे ज्योग्राफी का, और हिस्ट्री में जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह जो भी है। तो हम लेक्चर को आज शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट लेक्चर रहेगा मॉक टेस्ट नंबर 1 जेके पीएसआई की, जो भी टेस्ट सीरीज में अनरोल्ड स्टूडेंट हैं अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप वहाँ पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जेके पीएसआई और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, दोनों के लिए टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की थी। अभी लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है आज 2nd अक्टूबर, सबको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि लेक्चर को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ। जय हिंद। तो लेट अस डिस्कस अबाउट जेके पीएसआई की जो टेस्ट सीरीज थी, ये हमने लॉन्च की थी 14th of September से, जो कि एनवायरमेंट से स्टार्ट हुई थी सेक्शनल टेस्ट, और ये आप देख लें शेड्यूल जो रहा है टेस्ट सीरीज़ का, जिनको नहीं पता है, बाकी जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया है उनको तो पता ही है, और लास्ट टाइम यही टेस्ट सीरीज़ थी एनवायरमेंट की और अराउंड 160 क्वेश्चन थे, तो दिस मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि 160 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में थे सेक्शन, और उसमें से 8 क्वेश्चन आए थे 7 स्पेक्टर में, 8 के 8 इसी टेस्ट सीरीज से निकले थे, वो आप देख सकते हैं क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट ने भी ज्वाइन किया है, और अब इसको बढ़ा के 250 क्वेश्चन इसलिए किया है कि ताकि अगर क्वेश्चन लास्ट टाइम से, क्योंकि एजेंसी चेंज है, पिछली बार जो एजेंसी पेपर डालती थी वो एजेंसी चेंज हो जाएगी अब इस बार, तो दिस इज़ वेरी क्लियर कि एग्ज़ाम पेपर कैसा आएगा, पैटर्न कैसा रहेगा, दिस टोटली डिपेंड अपॉन द एजेंसी, तो इसलिए हमने क्या किया है कि 160 से 250 क्वेश्चन जो है उसको इंक्रीज़ करने का ये मकसद है कि एजेंसी कोई भी आएगी एटलीस्ट पेपर यहाँ से निकले। बाकी ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री पोर्शन में आपको सेक्शनल टेस्ट हर एक दिए गए हैं, चाहे वो एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप लोग काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मॉडर्न हिस्ट्री में लास्ट में ना एक दिया गया है क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़नी है, क्वेश्चन उधर से भी निकल सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी क्वेश्चन उससे 2 क्वेश्चन डायरेक्टली क्रोनोलॉजी से निकले हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो आपको पता ही है कि 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं और सेक्शनल टेस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे ये जो फुल लेंथ टेस्ट है, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट हम डिस्कस करेंगे बाद में, अगर टाइम मिलेगा हमें तो वी विल डिस्कस दैट आल्सो, बट फर्स्टली वी विल डिस्कस द मॉक टेस्ट फुल लेंथ जो कि हुआ था 18th of September को। ये शेड्यूल बहुत मतलब पुराना वाला है, जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन करेंगे तो वो शायद से लेक्चर तो आज रिकॉर्ड हो रहा है 2nd of October को, तो अभी जो आपके मॉक बचे हैं वो फुल लेंथ 4 वाला बचा है और 5 वाला, ठीक है, 2nd अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी जितने भी है वो हमने शेयर कर दिए। अब इसके बाद हम करंट अफेयर का जो 1 वाला है ये हो चुका है, इसमें क्वेश्चन दिए गए आपको, और करंट अफेयर 2 जो होगा ये आपके अराउंड 250 एमसीक्यू होंगे, तो मेक श्योर कि आप 250 एमसीक्यू करके जाएंगे, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के निकलते हैं, तो डायरेक्टली आपको यहीं से दिख जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो अपडेट रहेगा करंट अफेयर में वो अक्टूबर तक रहेगा,
अक्टूबर तक रहेगा अगर पेपर डिले होता है। दिस इज़ वेरी क्लियर कि नवंबर में पेपर होगा, नवंबर दिसंबर में, बट मे बी स्नोफॉल की वजह से दिक्कत आ सकती है या इलेक्शन की वजह से, तो पेपर आगे भी हो सकता है, लेकिन मेक श्योर कि आपकी अक्टूबर में सारी की सारी प्रिपरेशन और सारे मॉक खत्म होने चाहिए। अगर पेपर पोस्टपोन भी होगा तो आप तैयारी तो कर सकते हैं ना आगे, तो मेक श्योर कि डिले ना पड़े, जितनी जिस रफ्तार में चल रहे हो उसी रफ्तार में अक्टूबर तक, अक्टूबर एंड तक अपना सिलेबस खत्म करें। तभी तो हमने 18 अक्टूबर रखा है ताकि आप पूरा सिलेबस जो है इसको खत्म कर पाएं। ओके, तो डिस्कस करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 1। ओके, जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो आपने बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है। पेरिस एग्रीमेंट 2015, देखो ये 5 स्टेटमेंट हैं, तो आपने देखना 5 किसके साथ मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। वैसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो 1 स्टेटमेंट होगा, 1 लाइन का क्वेश्चन होगा, और मे भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको जैसे ये कोड दिए होंगे 1, 2, 3, जैसे ये KS का पैटर्न होता है वैसे हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप दोनों तरीके से तैयारी करके जाएं, क्योंकि एजेंसी चेंज होगी तो मे भी हो सकता है आपको 1 लाइन का क्वेश्चन आए और मे भी हो सकता है आपको इस तरह के क्वेश्चन आए, तो दोनों तरीके से आपने प्रिपेयर करके जाना है। फर्स्टली पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ, तो पेरिस एग्रीमेंट है क्या पहले तो आपको ये बताना। जैसा कि आपको पता है क्लाइमेट चेंज जो है एक आज की डेट में काफी न्यूज में है, और वैसे भी एनवायरनमेंट में आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट की ओर लेके क्या चीजें हो रही हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक बॉडी है जिसका नाम है UNFCCC, यही COP करवाती है। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 हुई थी, ठीक है, 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का नाम है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस जो है 21 नंबर पे थी, वो थी 2015 में। उसमें इन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए मीटिंग रखी थी और उसमें एक INDC रिपोर्ट प्रिपेयर की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2015 में हुआ है और COP कौन सी बन थी, COP 21। सेम क्वेश्चन आपका INDC और ये आपका आया था किसके रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है INDC, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपका 2000 अभी जो पुराना पेपर हुआ KS इसका JKPSI का, तो उसमें आपका सेम क्वेश्चन दिखा है, और ये सेम टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन था पिछली बार भी। लेकिन मेक श्योर कि आपको सेम क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, तो इसलिए आपको ये देखने पिछली बार दोनों क्वेश्चन जो है दोनों क्वेश्चन इसी से निकल गए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू अजोन लेयर, ये आपको बताना है। वीना कन्वेंशन इज रिलेटेड टू अजोन लेयर, और क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, एंड COP 26 जो अभी हुई है, देखो COP 26 जैसे 21 हुई है वो हुई है पेरिस में, अब COP 26 जो हुई है वो ग्लासगो पैक्ट बोला गया है इसको, ठीक है, ग्लासगो जैसे ग्लासगो है यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड किंगडम UK इंग्लैंड में, तो ग्लासगो पैक्ट हुआ है, ग्लासगो। तो ये जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी COP 26 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो COP 26 कहाँ हुई थी 2021 में, ये भी आपको पता होना चाहिए 2021 में कहाँ हुई है COP 26, तो वो हुई है आपकी UK में, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में हुई है, ब्रिटेन में हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है ग्लासगो इज, तो इसी में एक जैसे पेरिस में हुई थी ना, तो उसमें रखा गया है पेरिस एग्रीमेंट 2015, और इसी में पेरिस एग्रीमेंट में अगर रिलेट करके चलोगे तो SDG गोल भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी 2015 से 30 तक जो रखे गए हैं एम्बिशन है, ठीक है, वो भी इसी पेरिस एग्रीमेंट के दौरान ही हुए हैं। लेकिन आल्दो SDG का कंसेप्ट जो था ये बहुत पुराना था, ब्रैडलैंड कमीशन ने दिया था, अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ी है, उसके बाद ये 2012 में कंसेप्चुलाइज की थी यूनाइटेड नेशन ने। तो इंपॉर्टेंट है कि SDG जो है कब हुए थे, इससे पहले इनको MDG गोल बोला करते थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये थे 2000 से लेके आपके 2015 तक। अब 2015 से लेके 2030 तक जो है वो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हमने अचीव करना है। वो भी अलग से टॉपिक आएगा, वो हम पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में। तो मोर आर लेस इसका आंसर जो आएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सारे के सारे मैच करते हैं। देखना आपने मॉन्ट्रियल पेरिस एग्रीमेंट COP 21, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू अजोन लेयर, वेना कन्वेंशन इज रिलेटेड टू अजोन लेयर, कौन से ईयर में आई है ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, तो याद कैसे करना है अपने, ओम याद करना है OM, अजोन लेयर जब भी याद करना है अजोन लेयर, ओ से अजोन लेयर, एम से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो याद हो गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू अजोन लेयर। दूसरा आ गया आपका KC में आपका आ गया, केसी में कैसे याद करना है आपने, केसी में आपने याद करना है केसी मीन क्यूटो प्रोटोकॉल एंड सी मीन क्लाइमेट चेंज,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो, क्योंकि काफ़ी जब मैं पढ़ा करता था 2019 में यूपीएससी की तैयारी हमने जब स्टार्ट करी थी, तो एट दैट टाइम मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन रहती थी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल में हमेशा। फिर मैंने याद किया इसको कंसेप्ट करने के लिए ओम एंड केसी और केसी प्लाजा एंड ओम, ठीक है ओम, तो वैसे याद किया मैंने ताकि ये याद रहेगा परमानेंटली। तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये पांच क्वेश्चन एक्चुअल में एक क्वेश्चन में, ठीक है समझ गए ना, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सारा पता हो। नेक्स्ट आपका आपका आया क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन सितु कंजर्वेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन सितु कंजर्वेशन क्या होता है। देखो कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी टॉपिक है ये एनवायरमेंट का ही। बायोडाइवर्सिटी में कंजर्वेशन होती है दो प्रकार की, एक आती है एक्स सितु, एक्स सितु कंजर्वेशन, और एक आता है इन सितु कंजर्वेशन। तो इन सितु में होगा जो जिस एनवायरमेंट, मतलब जो हैबिटेट होगा किसी एनिमल्स का, तो उसी हैबिटेट में उसको रखा जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी चीता री इंट्रोड्यूस किया गया है, चीता री इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में, क्योंकि ये एक्सटिंग ख़त्म हो गया है 1952 से। तो अभी 2022 में ऑन द बर्थडे ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनको चीता को लॉन्च किया गया है कहाँ पे, कुन्नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुन्नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर इसको दर्जा मिला है नेशनल पार्क का, और ये कहाँ पे है एमपी में, मध्य प्रदेश में। अब इनको इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में, लेकिन उसके लिए इनका क्लाइमेट और हैबिटेट वैसे होना चाहिए ना, नहीं तो इनको लाए इधर मर जाएंगे क्या फ़ायदा। तो वह हैबिटेट इंपॉर्टेंट है, तो इन सितु कंजर्वेशन कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी को, कोई भी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए हमारे पास एक्स सितु और इन सितु कंजर्वेशन है। तो उसमें आपने बताना है कि इनमें से कौन सा है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी करंट को लेके। तो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट ही होता है, ठीक है वही हैबिटेट जो चीता को चाहिए, जो चीता हम अफ्रीका से मतलब रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में, वैसा ही जो अफ्रीका में हैबिटेट है उसका, वैसा ही इंडिया में आपका कुन्नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। तो हैबिटेट आपका सेम रहना चाहिए, तो इन देयर इन साइट इन सितु कंजर्वेशन उसको बोलेंगे। इसमें आ गया नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज इन सितु, बायोस्फीयर रिजर्व आल्सो इन सितु कंजर्वेशन, सेकंड फॉरेस्ट एंड इको सेंसिटिव जोन इज आल्सो इन सितु कंजर्वेशन, बोटेनिकल गार्डन एंड जोलॉजिकल पार्क। तो ये बोटेनिकल गार्डन एंड जोलॉजिकल पार्क इट इज नॉट इन सितु कंजर्वेशन, इट इज एक्स सितु कंजर्वेशन, ठीक है। तो एक और भी बात हो सकती है कि देखो इन सितु कंजर्वेशन हो गया कि नेचुरल हैबिटेट आएगा, इसमें एक्स सितु में हम नेचुरल हैबिटेट नहीं, जैसे अपना जोलॉजिकल पार्क, जैसे मांडा जू है ना जम्मू में, मांडा जू में चले जाओ आप, तो वहाँ पे क्या है, चीता मतलब जानवर को रखा गया है, लेकिन वो उनका नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं है जिसमें वो रहते हैं, पिंजरे में उनको रखा गया है, समझ रहे हो ना। तो दैट इज द एक्स सितु कंजर्वेशन की एग्जाम्पल, ठीक है मांडा जू। तो उसी से याद करना है कि बोटेनिकल गार्डन एंड जोलॉजिकल पार्क आर नॉट इन द, तो इसमें आपने बाकी एग्जाम्पल भी याद करनी है इन सितु और एक्स सितु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो मेजरली चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मैंने बताया इंडिया में है, तो चार के नाम याद रखने हैं आपको, जैसे हिमालयास, इंडो वर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट, सुंडालैंड, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी हॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, तो चारों नाम याद रखने हैं, या फिर आप रख सकते हैं, आपको आ सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हिमालयास, या फिर आ सकता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये चार हॉटस्पॉट इंडिया के साथ हैं, ठीक है। जो पहले मैंने बताया वो और कंट्री को भी लेके साथ में है, ठीक है। तो ये आपको वैसे भी आ सकता है वो वाले हॉटस्पॉट, या फिर नाम ऐसे भी आ सकता है हिमालय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न घाट एंड अंडमान एंड निकोबार। और सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो वेस्टर्न घाट में, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है पाई जाती है, ठीक है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी जो है वो वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है। अब इस क्वेश्चन में ये तो क्लियर हो गया कि टर्म किसने दी है, नॉर्मन मेयर ने 1988 में, और टोटल इनिशियल में 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे, लेकिन लेटर ऑन आज की डेट में 2022 तक 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, और उसमें से चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया के भी हैं, और ये नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया ईवल ऑफ क्वार्टरेट, ये इंपॉर्टेंट है ईवल ऑफ क्वार्टरेट क्या है ये पता होना चाहिए। ईवल ऑफ क्वार्टरेट रेफर टू द मेजर काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए मैंने पहले भी क्वेश्चन जो डिस्कस किया उसमें कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, एक तो
एक्स सीतु कंजर्वेशन है, एक इन सीतु कंजर्वेशन है, एक्स सीतु कंजर्वेशन और एक्स सीतु इन सीतु कंजर्वेशन। तो ये दोनों कंजर्वेशन है जिसमें हम कंजर्व करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, बट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी हो रही है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए एक टर्म जो एक फेमस टर्म है जो कि बहुत सारे एग्जाम में आती है, तो इसके लिए इसलिए इस सी ऑप्शन को रखा गया है। तो मेजर काजेज जो हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस की आज की डेट में वो क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऑप्शन में आ सकता है कि विच आर द फॉलोइंग आर द मेजर काजेज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो दैट इज द हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सप्लाइटेशन, ओवर एक्सप्लाइटेशन एंड को एक्सटिंक्शन एंड इनवेजिव एलियन स्पीसीज। इन IAS इनवेजिव एलियन स्पीसीज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये जब भी स्पीसीज हम बाहर से लाते हैं तो ये प्रॉब्लम करती है नेटिव स्पीसीज को। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर कोई स्पीसी जैसे चीता है, चीता तो इंट्रोड्यूस तो हम कर रहे रीइंट्रोड्यूस, लेकिन जैसे एक फिश को हमने इंट्रोड्यूस किया था साउथ में, या फिर हम बोल सकते हैं एक प्लांट है सेन्ना प्लेटेस करके कुछ नाम है, बाद में डिस्कस करूँगा कुछ आएगा उसका नाम। तो वो प्लांट हमने इंट्रोड्यूस किया था वेस्टर्न गार्ड में, तो वेस्टर्न गार्ड में जब उसको इंट्रोड्यूस किया था ड्यू टू कमर्शियल वैल्यू उसकी थी, लेकिन आज की डेट में उसने क्या किया है, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसने क्या किया है जितनी भी बायोडाइवर्सिटी अलग प्लांट हुआ करते थे उसको ना उसने क्या कर दिया, क्योंकि उसने उसको भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो जो नेटिव स्पीसीज हमारी थी, नेटिव मतलब हमारी कंट्री की जो स्पीसीज ऑलरेडी प्लांट्स वगैरह थे उसको भी उसने ख़त्म कर दिया। तो दिस इज आल्सो अ थ्रेट फॉर द इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, जो बाहर से स्पीसीज कोई भी इंट्रोड्यूस करते हैं कंट्री में, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इवल ऑफ क्वार्टरेट जो मैंने बता दिया, एक हैबिटेट लॉस, दूसरा आपके पास आ गया फ्रेगमेंटेशन, और थर्ड आ गया ओवर एक्सप्लाइटेशन कर रहे हैं हम, और फोर्थ आपके आ गया इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन एक पोर्शन आ गया, दूसरा आ गया ओवर एक्सप्लॉइटेशन, थर्ड आ गया को एक्सटिंक्शन जो खत्म हो रही है, और फोर्थ आ गया इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। दीज आर फोर पॉइंट जो कि मेजर काज है फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसी को बोलते हैं इवल ऑफ क्वार्टरेट, क्वार्टरेट क्वार्टर हो गया चार, फोर्थ पार्ट मतलब 1/4। तो मतलब हो गया चार ये मेजर काजेज हैं। इसका आंसर है ए डी ऑल ऑफ द अबव। वेरी इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दी है, नॉर्मन मेयर ने। कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, चार, और चार के नाम को पता होना चाहिए, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट, हिमालय और सुंडरलैंड। और मेजर काजेज क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पिछली बार आया है जेके पीएसआई में, और मेक श्योर ये लास्ट टाइम भी टेस्ट सीरीज में सेम क्वेश्चन था, और मेक श्योर कि आप इसको भी अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर जो हमारे पास है, विच आर द फॉलोइंग आर द टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्रासलैंड जो है उनके नाम आपको पता हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा गया भी है। तो मेक श्योर कि आपको ये पता हो, जैसे नाम इनके हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, स्टेपीज जो हैं ये रशिया और यूक्रेन में, इनको स्टेपीज बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड को। डाउन्स बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, प्रेरीज बोलते हैं यूएसए और कनाडा में, पैम्पास बोलते हैं अर्जेंटीना में, वेल्ड बोलते हैं साउथ अफ्रीका में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर जो है वो डी ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर है डी। सारे जो है वो मैच कर रहे हैं, सही हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। आपको मैप बता देता हूँ मैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इस बार ना JKAS के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया था इसके बारे में, टुंड्रा स्टेपीज सवाना, लेकिन वहाँ पे ये था कि आपका सब आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता ही होंगे तभी पता चलेगा आपको। जैसे दिस इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दिस इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये इक्वेटर आ गया, ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहाँ से ऊपर जितना भी एरिया है, जैसे आप ऊपर जाते हैं तो दीज आर पोल एरिया, नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेशन, मतलब जो वेजिटेशन ग्रासलैंड होगी, तो यहाँ पे जो होगी लास्ट, यहाँ से आप देख रहे हैं ऊपर रशिया के ऊपर जितने भी है ये, तो ये आपकी टुंड्रा वेजिटेशन है, ठीक है, ग्रासलैंड है। तो टुंड्रा जो है यहाँ पे आ गया, नीचे आप जैसे आते हैं तो स्टेपीज, यूक्रेन और रशिया के बीच में यहाँ पे स्टेपीज, यहाँ पे आप यूएसए में देख रहे हैं और कनाडा में यहाँ पे जो दिख रही है ये प्रेरीज बोलते हैं, नाम है ही, सिर्फ ग्रासलैंड के अलग अलग नाम दिए गए। यहाँ पे टुंड्रा, स्टेपीज रशिया और यूक्रेन में, यहाँ पे कनाडा और यूएसए में प्रेरीज, यहाँ पे आप देखिए जैसे ब्राज़ील वाली साइड अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना में आ गया पैम्पास बोलते हैं इसी ग्रासलैंड को,
और यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रीजन है, जैसे आप ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पे सवाना है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि सवाना जो है अफ्रीका में जो दिख रहा है आपको सवाना ग्रासलैंड, तो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेल्ड जो है ये साउथ अफ्रीका में, ठीक है, तो ये वेल्ड आपको नाम याद आएगा, कंट्री याद रखनी है, कंट्री याद रखनी है, ग्रासलैंड का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया में आपका डाउन्स है, DOWNS डाउन्स, डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया में। तो इंडिया में क्या है ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया में जैसे आप देख रहे हैं ट्रॉपिकल जितना भी एरिया है ना, ट्रॉपिकल रीजन, तो वहाँ पे सवाना ग्रासलैंड काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडिया में भी मतलब जैसे वेजिटेशन अलग प्रकार की दिखती है अलग अलग, जैसे हिमालय में आप चले जाएंगे, हिमालय में, इंडिया के हिमालय में चले जाएंगे तो अलग अलग प्रकार की दिखेगी, सवाना भी दिखेगी आपको और अलग अलग प्रकार की दिखेगी। बट वर्ल्ड वाइड में क्या है उसका आपको पता होना चाहिए, कंट्री याद रखनी है और कौन कौन सा है, ये मैप से आपको क्लियर, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टुंड्रा वेजिटेशन जो कि नॉर्थ पोल की तरफ है टोटली, ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के आसपास, मतलब आप ये मान के चलिए कि इसके नीचे नॉर्थ वाली साइड टुंड्रा और नीचे आपका आ गया स्टेपीज यूक्रेन और इसमें प्रेरीज यूएसए और कनाडा, और सवाना आपका ट्रॉपिकल वेल्ड साइड है, तो ये अफ्रीका में और नीचे आ गया वेल्ड अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। ये सवाना जो है ये पूरे कॉन्टिनेंट में, मतलब कुछ एरिया में, वैसे तो लार्जेस्ट डेजर्ट भी यहाँ पे ही है ना अफ्रीका में, लार्जेस्ट डेजर्ट, ठीक है, और पैम्पास अर्जेंटीना और सवाना जो है ये ट्रॉपिकल रीजन में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बायोम, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम NCERT वेजिटेशन टॉपिक जो है, तो वेजिटेशन टॉपिक से क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, तो लेट अस डिस्कस, जस्ट वेट, वेजिटेशन से, वेजिटेशन आपका इंपॉर्टेंट है, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी एज वेल एज इन्वायरमेंट, तो इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं हम इक्वाटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि 0 डिग्री से 10 डिग्री में होता है, ठीक है, 0 डिग्री और 10 डिग्री में होता है नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। इसमें आपका याद क्या करने वाली चीज़ें हैं कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि किस रीजन में होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कितने डिग्री में है, 0 से 10 डिग्री, और इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो आपको पता होनी चाहिए, महोगनी, इवोनी एंड रोजवुड, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, तो इसकी एग्जाम्पल याद करनी है आपने, महोगनी, इबोनी एंड रोजवुड आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स इंक्लूड सारा डेजर्ट, स्टेटमेंट सेकंड, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स इंक्लूड सारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका विच इज़ द लार्जेस्ट सिंगल स्ट्रेच ऑफ डेजर्ट, और अदर अफ्रीकन डेजर्ट्स आर कालाहारी एंड नेमिब डेजर्ट, तो इंपॉर्टेंट है कि सबसे लार्जेस्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट कौन सा है इंडिया में, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, बट अब आपको बताना चाहिए कि सहारा डेजर्ट जो है वो दैट इज़ द ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट है, सिंगल स्ट्रेच जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे पहले। और अफ्रीका में एक और डेजर्ट है जिसका आपको नाम पता होना चाहिए, कालाहारी और नेमिब डेजर्ट। अब क्वेश्चन ना कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, मतलब ट्रॉपिकल डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो दैट इज़ सहारा डेजर्ट। दूसरा ये क्वेश्चन आ सकता है कि अब ये कालाहारी डेजर्ट जो है ये कहाँ पे है, तो ये भी अफ्रीका में, ये भी आपको पता चाहिए। स्टेटमेंट थर्ड जो है, द नेक्स्ट बिगर डेजर्ट इज द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट विच कवर्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट इन साउथ अफ्रीका द अटाकामा एंड पेरुवियन डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट ऑफ ऑल डेजर्ट। तो अब डेजर्ट की बात जैसे करें, बायोम है ना, बायो डेजर्ट भी तो बायोम है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। सहारा डेजर्ट के बाद जो बिगेस्ट जो डेजर्ट आता है वो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आता है, और ये ऑलमोस्ट जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जितना भी एरिया है इनका, तो ऑलमोस्ट ये हाफ ऑफ द जो कॉन्टिनेंट है ना, ये आपका किससे है, डेजर्ट से भरा हुआ है। तो अफ्रीका में अगर बोलें तो साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में अटाकामा, या फिर इसको बोलो पेरुवियन डेजर्ट जिसको बोलते हैं ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ ऑल। क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट, ड्राइएस्ट डेजर्ट, तो आपने तब याद रखना है कि जहाँ तो अटाकामा आ सकता है या फिर पेरुवियन डेजर्ट, सेम ही है आपको ये पता। 3 क्वेश्चन हो गए, लार्जेस्ट डेजर्ट, सारा डेजर्ट, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये पता है कि हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट जो पूरा, मतलब हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। फिर आ गया साउथ अमेरिका में अटाकामा डेजर्ट, और डी ऑप्शन जो है हमारे पास, आंसर इसका ई है, ऑल ऑफ द अबव, बट ये कुछ पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। दूसरा थर्ड आ गया डेजर्ट वेजिटेशन, जैसे फॉर एग्जांपल डेजर्ट में जो वेजिटेशन होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलते हैं हम ज़ीरोफिटिक,
जीरो फिटिक जो है वो आपका आ गया वेजिटेशन, कहाँ पे होगी? डेजर्ट एरिया में, तो उसको बोलेंगे हम जीरो फिटिक, जीरिक, ठीक है। यहाँ पे प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन ऑफ डेजर्ट इज ड्राट रेजिस्टेंट स्क्रब्स लाइक कैक्टी प्लांट्स, थॉर्नी बुशिस, ड्वार्फ अकेशिया। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कैक्टी प्लांट, थॉर्नी बुशिस और ड्वार्फ अकेशिया, ये वाली वेजिटेशन जो है ये होती है आपके डेजर्ट में, कौन सी वेजिटेशन होती है, ठीक है। और इसका आंसर जो है ये आपको बताना चाहिए, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, जीरो से लेकर 10 डिग्री इक्वेटर पे होते हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों में। इंपॉर्टेंट स्पीसी महोगनी, एबोनी और रोजवुड है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वेजिटेशन है वो आपको बताना चाहिए, इंडिया में आपका ट्रॉपिकल डेसीडियस ये वेजिटेशन सबसे ज़्यादा है। जब भी क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेशन किसकी है, ट्रॉपिकल डेसीडियस, तो इंडिया में अगर क्वेश्चन आएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो क्वेश्चन के साथ साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो डिस्कशन में मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन के आंसर ही देने नहीं इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपके दिमाग में रहेंगी और वाइज होगा, इसलिए ऑल दीज आर डिस्कसिंग इन द डिटेल। और अब मैप देख लेते हैं थोड़ा सा डेजर्ट के लिए, तो कभी कभी मैच करने के लिए भी कभी आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैच करने के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आपको पता हो, ठीक है। ये टॉपिक है इन्वायरमेंट प्लस जियोग्राफी का, तो इम्पॉर्टेंट है। जैसे नेमिव डेजर्ट कहाँ पे है, अफ्रीका में है। एटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। सारा डेजर्ट कहाँ पे, अफ्रीका में है। गोबी डेजर्ट कहाँ है, मंगोलिया चाइना में है। ये आपका टेम्परेट डेजर्ट है, टेम्परेट, ठीक है, टेम्परेट डेजर्ट है, इट इज़ नॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो ये टेम्परेट डेजर्ट जो है ये मंगोलिया, लार्जेस्ट डेजर्ट टेम्परेट वाला। लेकिन आप ट्रॉपिकल डेजर्ट बोलोगे तो ट्रॉपिकल डेजर्ट जो है ट्रॉपिकल मतलब 23.5 डिग्री मतलब इक्वेटर से और 23 मतलब नॉर्थ 23 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23rd हाफ ये आपका आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे हम, जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये इक्वेटर, ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो ये इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो यहाँ पे जो हीट होगी उसको टॉरिड जोन भी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉरिड जोन। तो टॉरिड जोन जो है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, टॉरिड जोन हो गया जो ट्रॉपिकल रीजन में आपका जोन है, ठीक है। ये हीटिंग इफेक्ट पढ़ोगे आप, हीट, सन की जो हीट आती है कहाँ पे है, तो मोस्टली आपका ट्रॉपिकल में ज़्यादा आपकी सन की रेज और हीट का रहता है, तो टॉरिड जोन जो है टेम्परेचर उसका सबसे ज़्यादा जो रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। टॉरिड जोन ट्रॉपिकल रीजन को बोलते हैं, ठीक है। और गोबी डेजर्ट मंगोलिया में, मोजेब डेजर्ट ये कैलिफोर्निया में है, अंटार्कटिका डेजर्ट ऑब्वियसली अंटार्कटिका में है, तो थार डेजर्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, थार डेजर्ट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है। तो इनको आप मैप में देख लेते हैं एक बार, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, एटाकामा डेजर्ट इज़ द ड्राइएस्ट डेजर्ट, ड्राइएस्ट डेजर्ट होता है मतलब समझ गए ना, ड्राइएस्ट डेजर्ट है ये, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। सारा डेजर्ट इट इज़ अ ट्रॉपिकल डेजर्ट और ये लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट डेजर्ट, ठीक है। ये ड्राइएस्ट डेजर्ट, ये सारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। और गोबी डेजर्ट जो है ये टेम्परेट ट्रॉपिकल नहीं, ये सारा जो है ये आपका ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल डेजर्ट है, ये टेम्परेट डेजर्ट है। तो लार्जेस्ट अगर बोलेगा ट्रॉपिकल डेजर्ट दैट इज़ द सारा डेजर्ट, अगर बोलेगा टेम्परेट दैट इज़ द गोबी डेजर्ट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका थर्ड डेजर्ट जो कि इंडिया और इसमें है। वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं एक बार सारे डेजर्ट जितने भी हैं, जैसे कि आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट से देखते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जितना भी फुल कॉन्टिनेंट है इसमें आपका सहारा डेजर्ट, जैसे आप देख रहे हैं पूरा अलग से जो कलर बनाया गया, ये सहारा डेजर्ट जो है इट इज़ इन द ट्रॉपिकल रीजन। देखो जैसे अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करेंगे इंडिया से 8 स्टेट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ज्योग्राफी के टॉपिक में पढ़ेंगे, 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो यहाँ पे ये पास होगा, ठीक है। और इक्वेटर फिर आपका आ गया
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे ये सारा इसके ऊपर रीजन जो आ गया टेम्परेट वाला रीजन आएगा, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेट रीजन आएगा, टेम्परेट एज कम्पेयर टू दिस रीजन, ये रीजन जो है टॉरिड जोन है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहेगा और यहाँ पे चीज़ें सारी गर्म रहेंगी, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला एरिया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, और यहाँ पे ठंडा, ठंडा वाला ब्लू से करते हैं, ये सारा टेम्परेट रीजन है, तो यहाँ पे टेम्परेट रीजन है, बीच वाला आपका आ गया टॉरिड जोन। सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट, जो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आ सकता है। फिर गोबी डेजर्ट इज ऑल्सो ए लार्जेस्ट डेजर्ट, बट दैट इज द टेम्परेट वाला है ना, टेम्परेट वाला, टेम्परेट डेजर्ट जो है वो गोबी डेजर्ट है, ये पता होना चाहिए, लार्जेस्ट डेजर्ट गोबी डेजर्ट, बट वो है टेम्परेट। वैसे बोला जाएगा कि लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, वो सहारा डेजर्ट है, दैट इज इन द अफ्रीका, और वो ट्रॉपिकल, स्पेसिफिक बोलेंगे तो ट्रॉपिकल डेजर्ट, ठीक है, मतलब ऐसे तो हम बोलेंगे अगर क्वेश्चन आ गया विच इज, विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट, तो उसमें आएगा सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट। स्पेसिफिक अगर अगर आपको आ जाएगा कि ट्रॉपिकल लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा और टेम्परेट लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो गोबी इज अ टेम्परेट और सहारा इज अ ट्रॉपिकल। और क्या है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में कंट्री में कालाहारी डेजर्ट भी है, यहीं पे हमने जो ये है ना, इधर 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 जो चीता हमने रीइंट्रोड्यूस किया यहाँ से इंडिया में, ठीक है, इंडिया में कोनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोनो नेशनल पार्क एमपी में, ठीक है, वो यहीं से किया है, इसी रीजन से किया है, ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए नैमिब, NAMIB, तो ये टच करती है साउथ अफ्रीका से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आ गया यहाँ पे आर्कटिक पोलर देख रहे हो आप, और नीचे आ गया पेंटागोनिया, यहाँ पे आ गया ग्रेट विक्टोरिया, तो ग्रेट विक्टोरिया इज आल्सो अ डेजर्ट बट दैट इज़ इन द ऑस्ट्रेलिया, ओके, तो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आई डिस्कस। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें से देखना है कि कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। वैसे तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो तो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, बट ये मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट में आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, एक ही क्वेश्चन में अगर आपको 4-5 क्वेश्चन दिख रहे तो आपकी ही प्रैक्टिस है ना, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक लाइन को कभी काफ़ी ध्यान से देखें। जैसे मेडिटेरियन बायोम आर आल्सो कॉल्ड एज ऑर्चिड लैंड ऑफ द वर्ल्ड एज द रेंज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स आर कल्टिवेटेड हियर, तो इसको ऑर्चिड लैंड ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, किसको, मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो भी वेजिटेशन है, ठीक है, और सिट्रस फ्रूट भी यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं, तो आपको डायरेक्टली सिंपल ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट। सेकेंडली आपके पास जो स्टेटमेंट है टाइगा बायोम भी बोलते हैं इसको, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी आपको आ सकता है, बोरियल फॉरेस्ट, ये सब एक ही है, ठीक है, टाइगा बायोम होगा, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट होगा, बोरियल फॉरेस्ट होगा, ये सब एक ही है। ये उगते कहाँ पे है, ये इस टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है ये आपकी दिखती है कूल टेम्परेचर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट पे, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे दिखती है अराउंड, सपोज दिस इज़ द वर्ल्ड मैप, और यहाँ पे ये आ गया आपका इक्वेटर डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, नॉर्दर्न, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउदर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये अराउंड 60 और 70 के बीच में जो इनकी पाई जाती है वेजिटेशन, ठीक है, तो इस वेजिटेशन को हम क्या बोलेंगे, टाइगा वेजिटेशन, ये वाली 60 to 70। अब इससे ऊपर जो वेजिटेशन होती है उसको हम टुंड्रा वेजिटेशन बोलते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, ये टुंड्रा वेजिटेशन, इसको बोलेंगे टाइगा वेजिटेशन, तो इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका आ गया, इसमें कौन कौन से फॉरेस्ट, कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे पाइन, फिर स्प्रूस, सिडार, दीज आर एग्जांपल जो कि ट्रीज पाए जाते हैं इस प्रकार की वेजिटेशन, इस प्रकार की वेजिटेशन में, टाइगा बायोम में। और एक एग्जांपल आपको ये भी याद रखना है कि ये जो एग्जांपल ट्रीज हैं इनको जिम्नोस्पर्म भी बोलते हैं, GYMNOSPERM, ओके, इनको, इन ट्रीज को क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दीज आर सॉफ्टवुड टाइप ट्रीज विच आर कमर्शियली एक्सप्लाइटेड फॉर द पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनका कमर्शियल वैल्यू क्या है और कहाँ पाए जाते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास आ गया टुंड्रा बायोम, जो मैंने बोला
कि टुंडा बायोम कौन सा हो गया। देखो अभी मैंने डिस्कस किया कि ये अगर वर्ल्ड मैप है और ये वाला जो नॉर्थ पोल आ गया, ये साउथ पोल आ गया, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपका टुंडा वेजिटेशन आ गई, ठीक है, ये सारी टुंडा वेजिटेशन आ गई। तो ये टुंडा वेजिटेशन है और कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, आर्कटिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर्कटिक ओशियन है ना, तो आर्कटिक ओशियन है तो उसके आसपास वाली वेजिटेशन जो है आर्कटिक ओशियन यहाँ पे पाया जाता है जो, ठीक है। और इसके पास जो है इसको बोलते हैं टुंडा बायोम, या फिर इसको बोलेंगे आर्कटिक और पोलर क्लाइमेट। कौन सा क्लाइमेट है, पोलर क्लाइमेट, क्योंकि मैंने बताया ये कौन से पोल पे है, नॉर्दर्न पोल पे है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीज़ें पता हूँ। नेक्स्ट आपका क्या, लाइज बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट इज करेक्टराइज बाई द परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट रीजन इन द अंटार्कटिका इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट क्या होता है ये आप एक बार गूगल कर दे, विकिपीडिया पे देख लेना आपने परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। परमाफ्रॉस्ट एक्चुअल में क्या है कि जो वेजिटेशन होगी ना उसके ऊपर बर्फ आ जाएगी, तो बहुत देर तक वो बर्फ ऊपर रहेगी तो नीचे वेजिटेशन दबी रहेगी, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। वैसे आपको ये पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला रीजन है, ठीक है, ये पोलर वाला रीजन, तो इसमें ना जितनी बर्फ पाई जाती है जो भी आर्कटिक रीजन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर। तो ये एक टर्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्रायोस्फीयर क्या होता है, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू द आइसबर्ग्स या फिर आइस शीट्स जो कि आर्कटिक ओशन में दिखते थे। एक तो अंटार्कटिका में बहुत सारी आइस आइस शीट्स हैं और आर्कटिक ओशन में बहुत सारी हैं, ठीक है, और इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द परमाफ्रॉस्ट रीजन ऑफ द अंटार्कटिका इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड ग्रीन लैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सम सिंपल वेजिटेशन लाइक मॉसिस, लाइकन्स और रोडोडेंड्रोन्स। ये इंपॉर्टेंट है कि मॉसिस एंड लाइकोन्स, लाइकन्स जो हैं ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, तो किस वेजिटेशन में पाई जाती हैं, टुंड्रा बायोम में। तो आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर आप चले जाएँ, ठीक है, पोलर नॉर्थ पोल में, तो यहाँ पे आपको कोई भी कोई सी भी प्रकार का प्लांट नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ दिखेगी आपको तो यही मॉसिस एंड लाइकन्स। मॉसिस एंड लाइकन्स आर आल्सो, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा है इकोनॉमी में, सॉरी इन्वायरमेंट में, इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसका पेन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा होगा, उसमें आपने पाइनर स्पीसीज पढ़ा होगा, दीज आर आल्सो द पाइनर स्पीसीज। किसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में, मॉसिस एंड लाइकन्स को, तो ये इंपॉर्टेंट है। अलग से क्वेश्चन आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइकन, एल्गी, एल्गे प्लस फंजाई, इन दोनों को, इनकी जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है, SYMBOITIC, सिम्बियोटिक एसोसिएशन, एल्गी एंड फंजाई या फिर फंगी बोलो, फंजाई, इनको बोलते हैं लाइकन्स। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये केएस में शायद से क्वेश्चन आया था इस बार 2022 में कि एल्गी प्लस फंगस कॉल्ड एज लाइकन्स, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इस वाले बायोम को क्या बोलेंगे हम, टुंड्रा बायोम। कहाँ पे है, आर्कटिक रीजन में है और परमाफ्रॉस्ट होता है, बर्फ ही बर्फ होती है, क्रायोस्फीयर भी होता है वहाँ पे, और एग्जांपल आपकी सिंपल याद करनी मॉसिस एंड लाइकन्स। फिर आ गया टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कौन सा हो गया, टेम्परेट तो आपको पता चल रहा है कि टेम्परेट मतलब हो गया कि ट्रॉपिकल रीजन में ये नहीं आने वाली चीज़ें हैं, मतलब ये आपका इक्वेटर और ये आप इधर रखो ये ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, और ये आपका आ गया ट्रॉपिकल रीजन या फिर टॉरिड जोन। यहाँ से ऊपर आपको जो दिख रहा है ये सारा क्या है, ये आपका टेम्परेट रीजन है, यहाँ से नीचे क्या है, टेम्परेट रीजन है, लेकिन ये वाला जो रीजन है ये इस साइड में इक्वेटर के 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का ये है, ये टॉरिड जोन होता है, इसके ऊपर ये टेम्परेट जोन है, ठीक है, और इसमें जो फॉरेस्ट होंगे वो देखना है। इसको बोला जाता है, दूसरा इसका नाम है ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट आर द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विच आर द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश में बहुत सारी ठंड होती है, टेम्परेट है, ट्रॉपिकल रीजन में नहीं आता वो, और टेम्परेट रेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहाँ पे, तो दूसरा नाम है ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट वहाँ पाया जाता है। कॉमन स्पीसीज कौन कौन सी पाई जाती है जो कि आपको पता होना चाहिए, ओक, एल्म, मैपल एंड चाइना टाइप क्लाइमेट आर द वार्म टेम्परेचर
टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन टाइप ऑफ क्लाइमेट कंप्राइज ऑफ द मिक्स टाइप ऑफ वेजिटेशन जैसे मलबरी थ्राइव्स इन द बेस्ट इन दिस रीजन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो, ये आपका आ गया चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो ऊपर वाला था वो था आपका ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना में मलबरी वगैरह उगाए जाते हैं। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं थी, लेकिन सारी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए विद एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन जो कि इन्वायरमेंट का है और आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आ गया प्रोड्यूसर, इसके बाद कंज्यूमर, और कंज्यूमर के ऊपर उसके ऊपर भी जैसे कार्निवोर हो गया ना, जैसे आप पढ़ते हो फूड चेन पढ़ते हो, तो आपको पता होना चाहिए फूड चेन में क्या होता है। जैसे फूड चेन में ग्रासेस होंगे, ग्रासेस को कौन खाएगा, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को कौन खाएगा, तो ऐसे करके ये सारा फूड चेन बनेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, प्लांट्स से हम फ्रूट खाते हैं, एनिमल्स कोई भी, ठीक है। एनिमल्स को इनकी डेड बॉडी को जब इनकी डेड बॉडी होगी तो इनको कौन खाएगा, डिकम्पोजर्स। तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ फूड चेन, तो ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। लेकिन प्लांट्स क्या है, प्लांट्स यहाँ पे प्रोड्यूसर, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब एनिमल्स है जैसे जस्ट लाइक द ह्यूमन बींग्स, अब ये खुद जो है फोटोसिंथेसिस एनिमल थोड़ी करते हैं, तो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते खाना, तो ये डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पे, तो हम क्या बोलेंगे, ये कंज्यूमर हैं। तो प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर है। तो वही सारी एग्जाम्पलें दी गई हैं, हर्बीवोर कौन सा होता क्या है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स वो होता है जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, ऑटो मीन्स सेल्फ सफिशिएंट, तो खुद खाना तैयार करते हैं वो होते हैं प्लांट्स। इनमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसकी वजह से खाना तैयार करते हैं। जस्ट लाइक द ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टन बैक्टीरिया फंजाई आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर हिटरोट्रॉप्स फैगोट्रॉप्स विच आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ऑन फूड, तो उनको बोलते हैं कंज्यूमर हिटरोट्रॉप्स या फैगोट्रॉप्स, ये की टर्म्स है, सब मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। नेक्स्ट आपका आ गया हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स आर द प्राइमरी कंज्यूमर विच मेनली फीड ऑन द प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल रैबिट। तो हर्बीवोर किनको बोलेंगे, हर्बीवोर उनको बोलेंगे जो खाली हर्ब्स, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाएंगे, ठीक है, उनको बोलेंगे हम, जैसे रैबिट है, रैबिट जो है वो खाली घास ही खाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर सच एज वॉल्व्स, कार्निवोर कौन से होंगे, कार्निवोर विच फीड ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर एंड ओमनिवोर्स आर द ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लाइक मैन एंड मंकी। तो हम मैन जो है वो किस में आता है, वो ओमनिवोर्स में होता है। ओमनिवोर्स क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट्स कहने का मतलब है प्लांट के प्रोडक्ट, प्लांट थोड़ी खाता वो भी, प्लांट के प्रोडक्ट आ गए, तो उनको हम खाते हैं साथ में एनिमल्स, एनिमल मतलब हो गया कि जैसे चिकन चुकन जो आगे पीछे जो है, लेकिन कुछ वेजिटेरियन भी होते हैं, ठीक है, तो वेजिटेरियन जो आगे फिर अलग से आ गया, ठीक है। तो ओमनिवोर्स किसको बोलेंगे, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाएंगे। नेक्स्ट आपका है सेप्रोट्रॉप्स आर डिकम्पोजर ऑस्मोट्रॉप्स। अब ये मैंने की टर्म्स क्यों दी है यहाँ पे, जैसे कंज्यूमर हेटरोट्रॉप्स फैगोट्रॉप्स दी है बी ऑप्शन में, ई में मैंने दिया है कि सेप्रोट्रॉप्स डिकम्पोजर ऑफ ऑस्मोट्रॉप्स, ये इसलिए रखा कि कोई भी टर्म आया, चाहे सेप्रोट्रॉप्स आए, डिकम्पोजर आए, ऑस्मोट्रॉप्स आगे, मीनिंग सबका सेम रहेगा, तो इसलिए एक ही तीर पे सब शिकार करने होते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन पिछली बार जेके पीएसआई में आया था, और ये ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में था तब भी, क्योंकि सेम टेस्ट सीरीज है ना, कुछ क्वेश्चन चेंज किए, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है जो लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज थी। सेप्रोट्रॉप्स डिकम्पोजर ऑस्मोट्रॉप्स आर द बैक्टीरियन फंजाई विच ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिज्म सब्सटेंसेस। देखो अगर ये कोई डेड ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर क्या बढ़ता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ना आपके आसपास भी अगर कोई डेड ऑर्गेनिज्म देखते हैं, एनिमल देखते हैं, तो उसके ऊपर क्या आता है, जहाँ तो बैक्टीरिया पड़ जाते हैं कुछ देर के बाद, बैक्टीरिया और फंजाई उनके ऊपर पड़ जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप ब्रेड लेके चलो, ब्रेड रखोगे कुछ देर तक तो उसके ऊपर फंजाई लग जाएगी, फंगस लग जाएगी, तो उसको ख़त्म कर देगी जो ब्रेड एक्चुअल में रहा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम डिकम्पोजर या फिर सेप्रोट्रॉप्स। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई आर एग्जाम्पल आप सेप्रोट्रॉप्स आर डिकम्पोजर, जो डिकम्पोज कर रहे हैं। जैसे ब्रेड मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ब्रेड हम खाते हैं, जैसे अगर उसको 2-3 दिन अगर हम रख लें ऐसी किचन में, तो क्या हो जाएगा, उसमें फंगस लग जाएगी, तो फंगस उसको खा जाएगी, वो ब्रेड ब्रेड नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, डिकम्पोजर, ठीक है।
ठीक है, एग्जाम्पल याद करनी है आपने कि क्या है. ओके, अर्थ वर्म एंड सर्टन सॉइल ऑर्गेनिज्म सच एज नेमाटोड्स आर कॉल्ड एज डेट्रीवोर्स. तो ये भी इनको भी अर्थ वर्म को भी हम क्या बोलेंगे, एक प्रकार का डेट्रीवोर्स है. तो एग्जाम्पल आ सकती है बैक्टीरिया फंजाई आर डिकम्पोजर आर नॉट. तो ये इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरियन फंजाई डिकम्पोजर है. क्वेश्चन ये आ सकता है कि वायरस जो है क्या वो डिकम्पोजर है, तो वायरस इज नॉट अ डिकम्पोजर. तो ये एग्जाम्पल आपने याद रखनी है. तो इसमें करेक्ट जो है ऑल ऑफ द अबव था, ये इंपॉर्टेंट था जो हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड स्टेट नॉट करेक्टली मैच. तो इसमें आपने बताना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है. ऑप्शन 5 दिए हैं, आपको क्वेश्चन आएगा सिर्फ एक ही, बट यहाँ पे 5 रखने का मतलब होगा कि आप 5 चीज़ें एक बार ही सीख रहे हैं ना एक ही क्वेश्चन में. तो बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड स्टेट नॉट, कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, वो देखना हमने. तो इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स. इंडिया में जैसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन जो मतलब 18 बायोस्फीयर रिजर्व टोटल हैं इंडिया में, बट 12 जो है ये आपका इंटरनेशनल लेवल पे जिनको रिकॉग्निशन मिली है बायोस्फीयर रिजर्व को, तो वो 12 भी हैं. तो रिसेंटली वाला जो था पन्ना PANNA पन्ना टाइगर रिजर्व, टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में MP में, वो 12th बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का बना है. अगर आएगा इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज कितने हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो आपका आएगा 12, ठीक है. और ऐसे नॉर्मली बोलेंगे तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है. और 12th कौन सा बना है अभी, पन्ना टाइगर रिजर्व. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका तीनों स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, इसकी बाउंड्री काफ़ी ज़्यादा है. तो यस इट इज़ करेक्ट. मानस बायोस्फीयर रिजर्व इट इज़ इन द आसाम, और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इट इन द वेस्ट बंगाल, कंचनजुंगा सिक्किम ये भी सही है, पन्ना टाइगर रिजर्व या फिर पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, तो पता होना चाहिए कहाँ पे है, MP में. सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व या फिर सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, ठीक है. और इट इज़ नॉट इन द अरुणाचल प्रदेश, ये F ऑप्शन गलत है, ये सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये उड़ीसा में है. तो ये नॉट मैच लिखा था, तो F पार्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये उड़ीसा में है. सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क, इट इज़ लोकेटेड इन द उड़ीसा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रामसर वेटलैंड साइट्स एंड स्टेट्स UT नॉट करेक्टली मैच्ड. तो इसमें हमने देखना है कि रामसर वेटलैंड साइट जो हैं वो कौन सी जो है मैच नहीं कर रही है, ठीक है. और इससे पहले मैं बता दूं रामसर कन्वेंशन के बारे में. रामसर कन्वेंशन आपको आ सकता है क्वेश्चन कि रामसर कन्वेंशन क्या होता है. रामसर कन्वेंशन जो है 1971 में ईरान में एक रामसर जगह है, वहाँ पे एक कन्वेंशन हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे कि हमें वेटलैंड को बचाना है, जिनकी जो भी वेटलैंड्स साइट्स को इसमें रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है उसको, मतलब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रामसर कन्वेंशन इज़ रिलेटेड टू, तो आपने सीधा लेना है इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द वेटलैंड्स, इतना याद करना आपने. इट इज़ ऑनली द वर्ल्ड लेवल पे एक ही ट्रीटी है, एक ही कन्वेंशन है जिसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन, और ये रिलेटेड है किसके रिलेटेड, वेटलैंड को लेके, ठीक है, रामसर वेटलैंड या फिर वेटलैंड्स को लेके. इन वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक ही कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन. जैसे हम पढ़ते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्यूटो प्रोटोकॉल, ठीक है, या फिर कोई और कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन जिसको अभी 2022 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी आपकी 1972 में, 50 साल हुए अभी 2022 में, ये इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो अब देख लेते हैं कौन कौन सी मैच हो अभी इंडिया में, कितनी रामसर वेटलैंड साइट्स इंडिया की वर्ल्ड लेवल पे कितनी है, मतलब रामसर कन्वेंशन में इंडिया की रामसर साइट्स कितनी है. तो अगस्त 2022 तक 75 रामसर साइट ऑफ इंडिया की कहाँ पे, रामसर कन्वेंशन में, क्योंकि हमारे 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस अमृत महोत्सव चल रहा है इंडिया का, अमृत काल, ठीक है. तो 75 ईयर्स हुए हैं, तो 75 रामसर साइट्स हो चुकी है इंडिया की. तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि रामसर साइट ऑफ इंडिया 49 है, 75 है या फिर 64 है, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 75 रामसर साइट है.
वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, तो आपने याद करना है वो वेटलैंड के रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन जो आ सकता है कि स्टेट के साथ रामसर साइट का नाम होगा, ठीक है। और जे एंड के में अब रामसर साइट 5 हो चुकी है, तो 5 के 5 के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो वो करंट अफेयर में आ जाएगा, आप हम डिस्कस कर ही लेंगे। चिल्का लेक जो है उड़ीसा में, इट इज रामसर साइट, ये करेक्ट है। चिल्का लेक लोकेटेड इन उड़ीसा, इट इज ऑल्सो ए रामसर साइट, ठीक है। लोकतक लेक इन मणिपुर, इट इज़ ऑल्सो ए रामसर साइट। फुमड़ी PHUMDI, फुमड़ी जो है वो भी यहाँ पे इसी लेक पे पाई जाती है, और इसी लेक के आसपास लोकतक लेक के पास आसपास जो है केमुल लैमजाओ नेशनल पार्क भी है, ठीक है, जो बाद में डिस्कस कर देंगे, इसी नीचे आ जाएगा वो। लोकतक लेक मणिपुर में है, वुलर लेक जम्मू कश्मीर में है, इट इज़ ऑल्सो ए रामसर साइट। लोनर लेक इट इज लोकेटेड इन द महाराष्ट्र, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और कोलल लेक इट इज़ लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश, तो ये सब सही ऑप्शन है। जस्ट वेट, चिल्का लेक तो सही ऑप्शन है, लोकतक लेक मणिपुर सही है, बुलर लेक जम्मू कश्मीर सही है, लोनर लेक महाराष्ट्र है, कोलल लेक आंध्र प्रदेश है या नहीं इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर देखते हैं। 7 अभी और भी हैं। ओके, सिक्स आपका आ गया सांबर लेक राजस्थान में है, यस। चंद्रतार लेक जम्मू कश्मीर, नहीं, चंद्रतार लेक जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 7 वाला जो है इनकरेक्ट है, बाकी सारे जो है वो सही हैं, ठीक है। सांबर लेक राजस्थान में है ये पता होना चाहिए, चंद्रतार लेक जो इसने क्वेश्चन में पूछा क्या गया था ये आपको पता होना चाहिए ना, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी रामसर साइट या यूटी रामसर साइट जो है और स्टेट के साथ मैच नहीं कर रही है, तो चिल्का लेक उड़ीसा, लोकतक लेक मणिपुर, वुलर लेक जम्मू कश्मीर, लोनर लेक महाराष्ट्र, कोलरू लेक आंध्र प्रदेश एंड सांभर लेक राजस्थान। सिर्फ में 7 वाला पार्ट जो है 7, चंद्रतार लेक जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ लोकेटेड इन द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसका सी पार्ट ऑप्शन 7 आएगा कि 7 गलत है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, ओके। और बहुत सारा करंट अपडेट भी रहता है, वो आप क्यों सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए ही है वो। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप, अगर आपने पहली बार विजिट किया है, ओके, टू मेक अ बिग अ ग्रेट फैमिली ऑफ यूट्यूब, ओके। यही सर्च करना टेलीग्राम चैनल पर, साहिल ठाकुर जम्मू, टारगेट JKPSC। नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें ऑप्शन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, पढ़ना कैसे होता है। अब मैंने क्वेश्चन तो एक ही डाला ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में एंडेमिक स्पीसीज कौन कौन सी हैं, तो आंसर तो डायरेक्टली मैं दे दूंगा। देखो ब्लैक नेक क्रेन, इट इज द यूटी वर्ड ऑफ द लद्दाख, ऐसे पढ़ना होता है। खिलिज फेजेंट जो है ये J&K यूटी का क्या है, यूटी वर्ड है, और ये लद्दाख का है, ब्लैक नेक क्रेन लद्दाख का है। अर्लियर जो है पहले जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से पहले जम्मू कश्मीर वाज अ स्टेट, लेकिन उसको अब जम्मू कश्मीर अलग से बना दिया और लद्दाख अलग से यूटी बना दिया है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, ओके। तो अब इसका जम्मू कश्मीर का अलग से स्टेट बर्ड है और लद्दाख का अलग से है, तो ब्लैक नेक क्रेन ये पाया ही यहाँ जाता था कहाँ पर, लद्दाख में, तो ये लद्दाख का यूटी वर्ड है। खलीज फेजेंट इज आल्सो जम्मू कश्मीर का। नमदापा फ्लाइंग स्क्वायरल, इट इज लोकेटेड इन द अरुणाचल प्रदेश, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस इन द यूपीएससी एसएससी एंड ऑल अदर एग्जाम, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि नमदापा फ्लाइंग स्क्वायरल कहाँ पाई जाती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। नमदापा नेशनल पार्क भी है, नेशनल पार्क नमदापा नेशनल पार्क, इट इज़ लोकेटेड इन द अरुणाचल प्रदेश, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। और लाइन टेल मेकाक, इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट, और यही एक एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती है ये आपको पता होना चाहिए। एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज है जो सिर्फ उसी लोकेशन उसी जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती है, उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट है तो वेस्टर्न जम्मू कश्मीर तो वेस्टर्न घाट में नहीं है ना, लद्दाख भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लैक नेक क्रेन लद्दाख में है, खिलिज फेजेंट जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड है, ठीक है, स्टेट नहीं है वैसे, यूटी है लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है।
और ये तो वेस्टर्न गार्ड में तीनों नहीं आते ना, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो ऑप्शन तो यही बचा। नहीं भी पता होगा तब पता हो जाएगा ना, वेस्टर्न गार्ड का, वेस्टर्न गार्ड पूछा है, जम्मू ना तो लद्दाख वेस्टर्न गार्ड में आता है, ना जम्मू कश्मीर आता है, ना अरुणाचल प्रदेश आता है, आंसर तो एक ही बनेगा ना, लाइन ट्रेल मकाक। ओके नेक्स्ट आपके पास आ गया नेशनल पार्क यूटी इनकरेक्टली मैच। इसमें से आपने देखना बड़े ध्यान से कि इनकरेक्टली मतलब कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, ठीक है। ओके जी तक ऑप्शन दिए गए हैं, ये जी तक इसलिए दिए गए हैं कि भाई साहब आप कम से कम ये नेशनल पार्क भूल के भी छोड़े ना, बाकी तो नेशनल पार्क पढ़ने ही होते हैं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो पढ़ने ही पढ़ने। ओके नेक्स्ट आपका आ गया काजीरंगा नेशनल पार्क, क्या ये सही है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम, क्या ये सही है? यस असम में है। भितरकनिका नेशनल पार्क, इट इज़ लोकेटेड इन द उड़ीसा, यस इट इज़ राइट। गिर नेशनल पार्क, इट इज़ देखो गिर नेशनल पार्क जो है ना वहाँ पे लाइन पाए जाते हैं, तो एशियाटिक लाइन जो है ये आपको बताना चाहिए, एशियाटिक लाइन जो है 70% वर्ल्ड के मतलब इंडिया में अगर 100% वर्ल्ड में लाइन पाए जाते हैं एशियाटिक, ठीक है, उसमें से 70% पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में पाई जाती है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया में पाई जाती है, और कुछ पॉपुलेशन मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है गिर नेशनल पार्क, दैट इज लोकेटेड इन द गुजरात, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में है। इट इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द इंडिया, ये आल्सो इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, बड़े ध्यान से सुनना है आपने, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पूरा नाम इसका जिम कॉर्बेट, 1936 में ये बना था। तो इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है और कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तराखंड में, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि मणिपुर में लोकतक लेक है, लोकतक लेक दैट इज लोकेटेड इन द मणिपुर, ठीक है, वहाँ पे जो पार्क है ये नेशनल पार्क है उसका नाम है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे है, इट इज़ नियर टू द लोकतक लेक। ओके तो इट इज़ आल्सो राइट। आगे आपका कंचनजुंगा नेशनल पार्क, इट इज़ आल्सो लोकेटेड इन द सिक्किम। हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द जम्मू कश्मीर, नहीं, इट इज़ लोकेटेड इन द हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द लद्दाख। ओके आपको जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क भी पता होना चाहिए, चार के चार, देखो हमें डिस्कस कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के कौन कौन से हैं। अब इसका आंसर क्या था, इनकरेक्टली बोला था, तो इसका आ गया जी वाला पोर्शन कि हेमिस नेशनल पार्क इट इज़ नॉट लोकेटेड इन द जम्मू कश्मीर, इट इज़ लोकेटेड इन द लद्दाख। बाकी भले आपको याद करने ही करने हैं, क्योंकि इसमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। जिम कॉर्बेट जैसे फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड टू मणिपुर, ये भी आ सकता है, किस लेक के आसपास है, तो वो लोकतक लेक है, तो लोकतक लेक वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रामसर साइट भी है वो। ओके फिर आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में एक तो आपका आ गया जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क है, ये हम लेटर ऑन क्वेश्चन आ ही जाएगा तभी डिस्कस करेंगे। ओके नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी न्यूज़ में रहा है पिछले एक साल में, तो इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है नेटो पे, तो भाई साहब इसको पढ़ना ही पढ़ना है। अब जो रशिया और यूक्रेन का अभी वार चल रही है, मतलब रशिया और यूक्रेन की, ये सबको पता है ना, लास्ट 7-8 मंथ से उनकी लड़ाई चल ही रही है, तो वहाँ पे जो मेन लड़ाई है वो नेटो को लेके है, और रशिया क्या है वो चलो आप स्टोरी देख लेना डॉक्यूमेंट्री की ही, बट ये है कि आपको इतना पता होगा रशिया यूक्रेन की वार चल रही है, तो मेक श्योर कि ये वार का मसला कहाँ उठेगा, कहाँ जाएगा, यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन में जाएगा तो कौन रेजोल्यूशन पास करेगा, कौन इसका हेडक्वार्टर मतलब इस सेशन को, एमरजेंसी सेशन को कौन हेड करेगा, अब्दुल्ला ने किया था इसको हेड, तो वो इंपॉर्टेंट है किसने किया है, किसने वोटिंग की, इंडिया ने वोटिंग कितनी की, और ह्यूमन राइट वायलेशन से भी इनको बाहर निकाला गया रशिया को, और आपको बताना चाहिए पहले G8 मेंबर हुआ करते थे, ग्रुप ऑफ 8, उसमें से भी इसको निकाल दिया रशिया को, अब G7 बोला जाता है उसको, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे तो इंपॉर्टेंट है कि रशिया को एक्सक्लूड किया जा रहा है। अभी जैसे UNHRC वहाँ पे भी इस रशिया को के अगेंस्ट वोटिंग हुई कि इन्होंने ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है कुछ टॉपिक ना, और इसके आसपास की लोकेशन इंपॉर्टेंट बन जाती है। वी वर डिस्कसिंग मतलब नेटो की फुल फॉर्म क्या है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, नेटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
क्या बोला मैंने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक। लेकिन आप अगर आप देखेंगे इसमें यूएसए भी है और कनाडा भी। इसको ना एक बार मैप में देख लेंगे एंड में, क्योंकि बार बार मैप यूज़ करेंगे लास्ट में कर देंगे। नेटो में कितने मेंबर है ये पता होना चाहिए। नेटो इज़ अ मिलिट्री अलायंस ऑफ ऑल द कंट्रीज बॉर्डर बाय द अटलांटिक ओशियन। नो, ऑल कंट्री नहीं है, सब कंट्री नहीं है इसमें नेटो में, है मिलिट्री अलायंस, ये मिलिट्री अलायंस, बट ये 30 मेंबर अभी तक है। अभी आपको ये होगा कि यूक्रेन ने ज्वाइन किया, फिनलैंड ने किया, या किसी और कंट्री ने किया ज्वाइन, तो नहीं किया अभी। अभी ये इनका प्रोसेस है, जब तक एंड नहीं हो जाता है, तो न्यूज़ में तो चल रहा है कि फिनलैंड ज्वाइन करेगा, उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने होते हैं नेटो को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है, बट अभी तक ऑफिशियली उनको रिकॉग्निशन मतलब टोटली एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक अगर हो गया प्रॉपरली तो फिर मेंबर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार उस टाइम में अपने विकिपीडिया कर देना है, गूगल कर देना है, सीधा नेटो की वेबसाइट पर जाना है कि क्या और कोई मेंबर बना है, नहीं। लेकिन आज लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो याद करना है 30 मेंबर है। कितने मेंबर हैं नेटो के? 30 मेंबर। यूएसए इसका मेंबर है? यस। इंडिया मेंबर है? नो, क्योंकि ये सिर्फ अटलांटिक ओशन के आसपास वाली कंट्री है ना, तो इंडिया कैसे मेंबर होगा? तो अटलांटिक याद रखना आपने। इट इज बेस्ड ऑन, ये तो स्टेट में गलत है, इसमें आल नहीं है, इसमें सिर्फ 30 मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एन अटैक अगेंस्ट वन और सेवरल नेटो मेंबर्स इज कंसिडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल। तो यह है कि कोई भी कंट्री अगर अटैक करती है, जैसे रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, ठीक है। अब अगर ये यूक्रेन इज नॉट मेंबर ऑफ द नेटो, नेटो का मेंबर नहीं है यूक्रेन, अगर ये मेंबर होता तो क्या होता, फिर जितनी भी कंट्री नेटो के 30 की 30 हैं मेंबर, तो वो भी अटैक इन पे कर सकती है, क्योंकि ये कंसिडर करते हैं कि अगर किसी और कंट्री ने हम पे अटैक किया तो मतलब होगा कि वो हमारे सब पे अटैक है, कोई 30 के 30 मेंबर पे अटैक है। तो ये मिलिट्री अलायंस ऐसी बनाई गई है उन्होंने इस तरीके से, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है ना। तो यूक्रेन ने इसको मतलब अभी तक ज्वाइन किया है, ना फिनलैंड ने किया, क्वेश्चन यही आएगा, यही कन्फ्यूजन होगा आपको, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ना यूक्रेन ना फिनलैंड इनका मेंबर नहीं है, यूएसए मेंबर है इसका। तो मेन जो चाल यूएसए और यूके वालों की है ना, वेस्टर्न कंट्री में यही तो खेल रहे हैं ना। तो क्वेश्चन एक तो आपको नेटो की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 30 मेंबर हैं और ये अटैक समझते हैं, अगर एक कंट्री पे अटैक किया तो ये समझते हैं कि हमारी सब कंट्री पे अटैक किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट, मतलब सेकंड करेक्ट है और फर्स्ट वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसमें 30 मेंबर हैं, ऑल मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जेकेएसएस में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैपिटल कुपिटल, बाकी किसी एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते हैं, जैसे केएसए या यूपीएससी वहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं, बट इसमें आपको मे भी पूछे जाए, तो इसलिए आप ये क्वेश्चन डाला गया है। कंट्री और उसकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, तो इसकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट जेएंडके में हुई है, ठीक है। सऊदी अरेबिया और यूएई की इन्वेस्टमेंट इन जेएंडके, लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट हुई है जेएंडके में, तो एटलीस्ट कैपिटल तो आपको पता हो। इसकी कैपिटल है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अफगानिस्तान कहाँ पे, ये तो आपको पता होना चाहिए, इंडिया यहाँ पे, अफगानिस्तान ठीक है ना, और यहाँ पे पाकिस्तान है, तो अफगानिस्तान ये वाला पूरा एरिया है। अब ये अफगानिस्तान कहाँ पे है, तो ये है इसके, यह आ गया ईस्ट, यह आ गया वेस्ट, या गया नॉर्थ, या गया साउथ, ठीक है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये कहाँ पे है, तो इंडिया के ये क्या है, वेस्ट में, बस इतना याद रखना है, बाकी आप लोकेशन देख लेना। इसकी कैपिटल काबुल है, सिंगापुर की थाईलैंड है, सिंगापुर की सिंगापुर ही है, ठीक है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका आएगा, जस्ट वेट, यूएई की कैपिटल क्या है, दुबई, अफगानिस्तान की काबुल, सिंगापुर की थाईलैंड नहीं है, सिंगापुर की ही सिंगापुर है, ठीक है। और यूक्रेन की कीव सही है, फ्रांस की पेरिस, रशिया की मॉस्को, तो इसमें सिर्फ गलत जो है वो सिर्फ थर्ड वाला है, सिंगापुर ही कैपिटल है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो नॉट करेक्टली मैच पूछा तो सिर्फ सिंगापुर ये मैच नहीं है, बाकी सही हैं, तो इसमें आएगा थर्ड वाला, किसमें ऑप्शन है, सेलेक्ट करेक्ट वाला, थर्ड सी वाला आंसर है इसका, ओके सी। नेक्स्ट आपके पास आया क्वेश्चन नंबर
वही रामसर साइड दोबारा से क्वेश्चन, दो बार क्वेश्चन डाल दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा रिसेंट इन न्यूज़, तो ये न्यूज़ में था इसलिए दोबारा से क्वेश्चन आ गया। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रामसर साइट रिसेंटली इन न्यूज़। देखो रामसर साइट मैंने पहले बताया कि रामसर कन्वेंशन के अंडर आती हैं और वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर कन्वेंशन है 1971 में हुआ, इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था 10 साल के बाद 1981-82 में, ठीक है। तो इंडिया इज़ ए मेंबर फ्रॉम 81-82 और इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है, तो वो इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट थी चिल्का लेक, एंड चिल्का लेक उड़ीसा में जो है, और एक राजस्थान में नेशनल पार्क है, क्या नाम है उसका, गाना नेशनल पार्क, ठीक है गाना नेशनल पार्क जो है, ये दोनों जो है ये रामसर साइट का दर्जा मिला था फर्स्टली 1981 या 82 में, ठीक है। तो ये आपको पता चाहिए कि फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया कौन सी है, चिलिका लेक इंडिया की। टोटल आज की डेट पर कितना है 75। चलो अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सुंदरबन वेटलैंड वेस्ट बंगाल में, ये क्या है, लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, ठीक है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको बताना चाहिए, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिख सकते हैं। सुंदरबन वेटलैंड इट इज लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, यस इट इज करेक्ट। चिल्का लेक उड़ीसा एंड केवलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान, केवलादेव नेशनल पार्क को केवलादेव गाना नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। केवलादेव नेशनल पार्क रिकॉग्नाइज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया गया है चिल्का लेक उड़ीसा में और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में जो है, दोनों को रामसर साइट का फर्स्ट इंडिया में दिया दर्जा दिया गया है, ठीक है। आज की डेट में कितनी रामसर साइट है इंडिया की, 75। स्टेट विद मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट अप टू 13 अगस्त 2022, तो मैक्सिमम रामसर साइट किस स्टेट के पास है, वो है तमिलनाडु के पास, 14 है, उसके बाद यूपी के पास 10 हैं। इससे पहले मतलब ये अभी लेटेस्ट डाटा है, इससे पहले जो है यूपी के पास मैक्सिमम जो थी वो क्या थी, रामसर साइट थी, लेकिन अब तमिलनाडु ने के पास ज़्यादा हैं। नेक्स्ट आपका स्मॉलेस्ट रामसर साइट जो है वो कौन सी है, क्वेश्चन आ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रामसर साइट। रेणुका वेटलैंड जो कि लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश, हैदरपुर वेटलैंड दैट इज इन द उत्तर प्रदेश, इसको ह्यूमन मेड वेटलैंड भी बोलते हैं। नीचे आ गया आपके पास खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश, खीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज लोकेटेड इन द उत्तर प्रदेश। अब ऑप्शन बाकी 5 तो सही हैं, अब ये वाले ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ये सही है ये भी सही है, ये दो ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि ये सही है या नहीं। ऑप्शन देख के करते हैं, ओके 1, 2, 3 तो सही है, 4 भी सही है, तो इसका मतलब ये तो गलत है। देखो अब मेरे को फॉर एग्जांपल मेरे को ये चीज़ दोनों नहीं पता है, 5 तक पता है कि ये सही है, तो अब देखते हैं गैस मारते हैं, इसमें 4 नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता आंसर, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें डाउट है, 1, 3 ये भी गलत है, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता, तो आंसर बी पार्ट, ठीक है, क्योंकि इस दोनों में गड़बड़ है, गड़बड़ समझ गए ना, तो लेट मी चेक इसका आंसर क्या है। ओके इसका आंसर जो है वो है बी पार्ट, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 7 इज राइट आंसर, ठीक है, बी पार्ट आंसर है, मतलब हो गया ये गलत दिया है, मध्य प्रदेश में नहीं है ये। या आपको कमेंट में बताना कि खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपने, ठीक है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज़ लोकेटेड इन द उत्तर प्रदेश। ये सारी जितनी भी हैं ये है रामसर साइट्स, ठीक है। और हम क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं, 15 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वोल्गा रिवर कहाँ पे लोकेटेड है, दिस इज लोकेटेड इन द रशिया, इट इज़ राइट, ठीक है। और ये कैस्पियन सी में जाती है, दनुबे रिवर इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नॉन रशियन रिवर इन यूरोप, जो यूरोप की क्या है ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, तो ये ब्लैक सी में जाती है, ये इंपॉर्टेंट है कि एम्प्टी कहाँ होती है, ठीक है। ओ बी एन सी एंड लीना ये सारी रिवर कहाँ लोकेटेड है, रशिया में है, और ये आर्कटिक ओशियन में ड्रेन होती है। बेकल लेक इट इज़ लोकेटेड इन द रशिया, तो ये मेनली ये क्वेश्चन क्यों डाला हुआ है कि आपको एटलीस्ट रिवर पता हो कि कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना सिलेबस में, तो ये एटलीस्ट आपको ये पता हो कि ब्लैक सी कहाँ पे है, कैस्पियन सी कहाँ है, कैस्पियन सी भी को बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री कर रही है, ब्लैक सी कहाँ लोकेटेड है, क्योंकि दीज आर नियर टू द रशिया एंड यूक्रेन, और वो काफ़ी न्यूज़ में, तो इसके लिए आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो दिस ये सब चीज़ें सही हैं जितने भी दिए हैं, 1, 2, 3, 4
सारा का सही सही 1 2 3 4 सी इज द राइट आंसर इनकरेक्ट पेयर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बताना है कि इनकरेक्ट पेयर कौन सा है ए बी सी डी में से बताना है आपको। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में दिस इज राइट। रेडक्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दिस इज आल्सो राइट। ब्लू लाइन लेबनान एंड इजराइल एंड लेबनान एंड गोलन हाइट पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन इतना, तो ये इनके बीच में है लेबनान एंड इजराइल के बीच में ब्लू लाइन। और 38 पैरेलल लाइन इज नॉट लोकेटेड बिटवीन द नॉर्थ कोरिया एंड जापान, इट इज़ बिटवीन द नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ये इंपॉर्टेंट है नॉर्थ और कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में 38 पैरेलल लाइन। और ये सही है ये गलत दिया गया है। ओके आंसर डी। 17 क्वेश्चन आपके पास आया ये स्क्रीन पे, इनकरेक्टली मैच देखना। आपने बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं ई तक के दिए गए हैं इन पांच में से कौन सा गलत है। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कहीं से, पांचों में से एक क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ओके अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड इनके बीच में 10 डिग्री चैनल, दिस इज़ राइट। 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार में के बीच में, ठीक है। और मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन द मालदीव्स एंड इंडिया, इट सेपरेट द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव्स। आपने देखना है कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में कौन सा चैनल है मालदीव्स के बीच में, तो 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल है किसके किसके बीच में, इंडिया और मालदीव्स के बीच में, यस इट इज़ आल्सो राइट। 10 डिग्री किसके बीच में है अंडमान एंड निकोबार के बीच में, ये आ गया 10 डिग्री अंडमान एंड निकोबार के बीच में, ठीक है, जो कि एक यूटी है इंडिया की, तो ये पता होना चाहिए। और ये 8 डिग्री है सिर्फ मालदीव्स अलग से कंट्री है और इंडिया के बीच में, ये है आ गया लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री, कितना है 9 डिग्री। तो क्वेश्चन आ सकता है 9 डिग्री 10 डिग्री और 8 डिग्री किसके किसके बीच में है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 9 डिग्री जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ये मिनिकॉय जो है ये भी इसी का आइलैंड है लक्षद्वीप का, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। द ऑनली डी पार्ट द ऑनली नॉन एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉल्केनो इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज बैरन आइलैंड, इट इज़ लोकेटेड इन द अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बैरन आइलैंड कहाँ पाया जाता है जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो वहाँ पे आज भी वॉल्केनोज आते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई डॉर्मेंट वॉल्केनो कौन सा है, ठीक है, डॉर्मेंट वॉल्केनो ऑफ इंडिया, तो वो भी वहीं पे लोकेटेड है उसके आसपास अंडमान निकोबार में। ये कहाँ पे, ये भी अंडमान निकोबार में है यूटी में, एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड और डॉर्मेंट जो है ये भी अंडमान निकोबार में है, ठीक है। उस वॉल्केनो का नाम क्या है जो कि डॉर्मेंट है, ये तो एक्टिव है, जो डॉर्मेंट है उसका क्या नाम है, डॉर्मेंट ख़त्म हो गया जो एक्सटिंक्ट हो गया है। तो ये आपका आ गया नॉर्थ अंडमान, ठीक है, नॉर्थ CONDM नॉर्थ अंडमान आइलैंड, ठीक है, ये है डॉर्मेंट आइलैंड मतलब डॉर्मेंट वॉल्केनो। पाक स्टेट जो है ये पाक स्टेट किसके किसके बीच में है, देखो इंडिया का आपके सिलेबस में है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, तो ये उसी का पोर्शन है ना बेसिक, तो ये आपको पता होना चाहिए। पिछली बार आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्वेश्चन आया है कि किस किस स्टेट से को बाइसेक्ट कर रहा है, तो दिस इज़ वेरी क्लियर, पिछली बार आया दोबारा थोड़ी आएगा, दोबारा यही क्वेश्चन आने के चांसेस है ना, तो ये ध्यान से देखना। पाक स्टेट लोकेटेड पाक स्टेट किसके किस बीच में, ये है इंडिया, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे ही रफ ड्रा कर रहा हूँ मैं, ये इंडिया, ये है श्रीलंका, ठीक है, ये इसके बीच में पाक स्टेट, और गल्फ ऑफ मन्नार भी यहीं पे है, लेकिन यहाँ पे कौन है, यहाँ पे तमिलनाडु है यहाँ पे लिखा है बिटवीन आंध्र प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, है तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में, लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं है, यहाँ पे तमिलनाडु है। ओके तो ये रॉन्ग दिया है, ओके तमिलनाडु इंडिया की स्टेट और नीचे श्रीलंका, पाक स्टेट इज़ बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, बस दैट्स इट, पाक स्टेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में, लेकिन कोई ऑप्शन तो गलत करना था, कुछ चीज़ तो गलत करनी थी, इसलिए आंध्र प्रदेश लिखा है, इधर तमिलनाडु आएगा। नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 18 जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये शायद से पिछली बार भी क्वेश्चन आया है जेके पीएसआई में, और सेम क्वेश्चन था उस टाइम में भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओजोन लेयर, नॉट करेक्ट है मतलब ये चार स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से करेक्ट कौन सी नहीं है वो देखने की कोशिश करनी है।
Azulia is mainly found in the lower portion of the stratosphere. From approximately 15 to 35 किलोमीटर above the Earth's surface, it protects us from the UV rays. तो ये important है कि ये ozone layer जो है, एक तो UV rays से हमें protect करती है, दूसरा ये है कि 15 से 35 किलोमीटर पे available है, और ये stratosphere में है, ठीक है? Stratosphere में पाई जाती है, क्या? Ozone layer, ये important है. और ozone layer का formula है O3, ozone का. Ozone is an allotrope of oxygen. ऑक्सीजन का बना हुआ, तो ये कितने एटम है? O3 मतलब हो गया 3 एटम ऑफ द ऑक्सीजन. तो फार्मूला इसका है O3. ओके, ये क्वेश्चन पिछली बार जेके पीएसआई में आया था. ओके, नेक्स्ट आपका क्या? अजून डे सेलिब्रेटेड ऑन द 16th सितंबर. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अजून लेयर को, मतलब अजून डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 16 सितंबर को, क्योंकि 1985 में अंटार्कटिका में होल पाया गया, अजून होल जिसको बोलते हैं, अजून होल 1985 में. किसने इसको स्टडी किया है, कौन बंदा फर्स्ट था जिसने स्टडी किया है, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा. ठीक है, तो वो ज्वाइन करना है आपने, वहाँ पे आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा, कौन बंदा था जिसने स्टडी किया था 1985 में कि अंटार्कटिका में अजून होल हो रहा है. ठीक है, वो था 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है अजून डे, टू प्रोटेक्ट द अजून लेयर. इसके रिलेटेड कौन कौन से आपके पास इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटीज़ हैं, जैसे वीना कन्वेंशन. वीना कन्वेंशन इज रिलेटेड टू किसके है? वो है अजून लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए. इसके बाद आई आपके पास क्यूटो मॉन्ट्रियल, हाँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द अजून लेयर. अब ये तो आपका 1985 और 87 के बीच में चीज़ें हुई हैं, ये वाली वीना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. बट 2016 में किगाली अमेंडमेंट हुई है, KIGALI किगाली अमेंडमेंट वो हुई है, किगाली अमेंडमेंट जो हुई है वो हुई है रिलेटेड. आपको क्वेश्चन आएगा कि किगाली अमेंडमेंट हुई है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड है? अजून लेयर. तो किगाली अमेंडमेंट किसके रिलेटेड हुई? अजून लेयर. तो ये इंपॉर्टेंट है, कब हुई? 2016 में. तो ये इंपॉर्टेंट है, ओ एम से याद करना है, ओ से अजून लेयर, एम से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. तो क्वेश्चन आएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू अजून लेयर. ऑक्सीजन 3 एटम 15 सितंबर. देख क्या क्या फैक्टर याद करने, देखो बाकी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस क्रिएट्स होल इन द अजून, दिस इज ऑल्सो राइट. द थिकनेस ऑफ द अजून लेयर इज मेजर्ड बाई द रिस्टर स्केल, तो दिस इज द रॉन्ग. रिस्टर स्केल से मेजर नहीं की जाती है थिकनेस अजून लेयर की, वो की जाती है डॉब्सन से, डॉब्सन यूनिट से. ठीक है, डॉब्सन इज द यूनिट टू मेजर द थिकनेस ऑफ द अजून होल, अजून लेयर. ठीक है, अब इसमें मोटा मोटा क्या याद करना आपने, अजून लेयर कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फीयर में, ये बात होना चाहिए. एटमोस्फीयर की लेयर्स है ना, कौन कौन सी है? लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आगे जो भी है एक्सोस्फीयर. ये भी पता होना चाहिए आपको कि एटमॉस्फेयर में लेयर कहाँ पे है. लिथोस्फीयर से स्टार्ट होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द अर्थ, यहाँ से ऊपर आसमान में, तो ये आ गया लिथोस्फीयर, कुछ देर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर, वैसे बीच में लेयर, ये आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, अजून लेयर में एक तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, दूसरी बात यह है कि यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है, तीसरी बात यह है कि ऑक्सीजन का 3 एटम मॉलिक्यूल है, चौथी बात याद रखनी है 16 सितंबर को अजून डे बनाया जाता है. ओके, और बाकी क्या याद करना है? बाकी याद करना आपने कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एक कंपाउंड है जिसको मतलब आज के डेट में बैन कर दिया गया है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच क्रिएट द अजून होल इज अ गैस जो कि हम रेफ्रिजरेटर में या एसी कूलिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है इनको, लेकिन आज की डेट में नहीं किए जाते, ये बैन कर दिए गए हैं वर्ल्ड वाइड में. और बाकी याद करना आपने कि इसको डॉब्सन यूनिट से मेज़र करते हैं. कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हो गए, बस इतने याद करने. और अगर इससे ज़्यादा करना है तो आपने याद करना है कि वीना कन्वेंशन जो है वो किसके रिलेटेड? अजून लेयर, और साथ में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो भी इसके. अगर रिसेंट की बात करें तो 2016 में किगाली अमेंडमेंट हुई थी, किगाली अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, मतलब ये हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड किया गया था किगाली अमेंडमेंट में 2016 में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द अजून लेयर. तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी. इंडिया ने अभी रिसेंटली ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को क्या किया गया है,
मॉडर्न प्रोटोकॉल को इंडिया ने, मतलब हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया है, बस ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये न्यूज़ में भी है। क्वेश्चन नंबर, आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट सही से पता चल गए। 19 क्वेश्चन नंबर 19, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये JKSSB का एक फेवरेट टॉपिक रहता है। एक तो ओजोन लेयर होगा और एक विटामिन, विटामिन तो पूछी ही जाती है, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं विटामिन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इस ये चार स्टेटमेंट दी गई हैं, इसमें से कौन सी फॉल्स है रिलेटेड टू द विटामिन सी। तो आपको बताना चाहिए विटामिन सी को दूसरा नाम का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो इसमें से क्या है विटामिन सी जो है ना, ये देखो, एक तो आपने याद करना है भाई, विटामिन जो है, विटामिन का एक फार्मूला आपको याद करा देता हूँ मैं, बी और सी, ठीक है, बी सी, ठीक है। तो ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। क्या है, कौन सी विटामिन है जो कि वाटर में सॉल्युबल होती है, बी सी, विटामिन बी, विटामिन सी। ए डी ई के, अडीक मतलब किसी का वेट करना, अडीक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, दीज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये विटामिन, ओके, बी और सी जो है वाटर सॉल्युबल है, ए डी ई के जो विटामिन है दीज आर द फैट सॉल्युबल। ये पहला फैक्ट आपने याद करना है विटामिन। बाकी इसके अलावा विटामिन याद करनी है, विटामिन का क्वेश्चन आ सकता है, विटामिन याद करनी है, और इससे कौन सी डिजीज़ होती है वो याद करनी है, मतलब ड्यू टू डेफिशिएंसी या विच विटामिन कौन सी डिजीज़ होती है वो इंपॉर्टेंट है, और इसका साइंटिफिक नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी क्या है, इट इज़ ए एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, इट शोज एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, दिस इज राइट। इट आल्सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज आल्सो राइट। ये मैंने बताया कि विटामिन सी जो है ना हमारी हमारी बॉडी में नहीं बनती है, दिस इज नॉट सिंथेसाइज इन अवर बॉडी, ये हमें बाहर से लेनी पड़ती है, इनटेक लेनी पड़ती है। जैसे विटामिन सी की बात करें तो जैसे आंवला नहीं है, आंवला हम अचार में खाते हैं या ऐसे भी खाते हैं, तो दैट इज़ द सिट्रस फूड ऑलमोस्ट। तो ये हमें बाहर से लेना पड़ता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। तो इसका आंसर सी है, बट ये बाकी वाले फैक्ट भी आपको बताना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट है, स्ट्रांग रिड्यूसेंट है, स्कर्बी इज़ अ न्यूट्रिशनल डिजीज कॉज्ड बाय द डाइट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं स्कर्बी। स्कर्बी डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, इसका आंसर ये है कि ये हमारी बॉडी में नहीं बनती है, इसे लिखा है कि इट कैन बी सिंथेसाइज इन अवर बॉडी, बट ये सिंथेसाइज नहीं होती है, ठीक है, आंसर इसका सी। अब अगला क्वेश्चन ही विटामिन पे, तो इधर डिस्कस कर लेते हैं। विच द फॉलोइंग फॉल्स पीरियड, तो इसमें फॉल्स क्या है, इसमें से मतलब एफ तक ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा इसके साथ ये मैच नहीं कर रहा है। देखो इसमें से कुछ तो मैंने डिस्कस कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर सॉल्युबल तो मैंने बता दिया बी सी, ठीक है, वो बी सी नहीं समझो, जो आप समझ रहे हैं बी सी, विटामिन बी, विटामिन सी, वाटर सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल, अडीक, किसी का वेट करना, ए डी ई के। तो ये सिंपली याद करनी है, विच आर द फॉलोइंग विटामिन्स आर फिट फैट सॉल्युबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सॉल्युबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल। तो किसी भी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे आपको पता होना चाहिए। स्कर्बी इज डी टू द विटामिन सी, विटामिन सी की वजह से, अभी हमने अभी पढ़ा क्वेश्चन नंबर 19 में, तो यही एक रॉन्ग पेयर है, स्कर्बी इज काज डी टू विटामिन सी, तो ये गलत है, लेकिन बाकी वाला पढ़ देते हैं। वाटर सॉल्युबल बी सी है, फैट सॉल्युबल अडीक है, विटामिन इज ऑल्सो नाउन एज कोबालामाइन, तो बी 12 विटामिन को कोबालामाइन भी बोला जाता है। बी वन विटामिन, विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरबेरी डिजीज इज काज ड्यू टू विटामिन बी वन। ब्लड क्लाटिंग, ब्लड क्लाटिंग जो है विटामिन के, तो इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लाटिंग क्या है, विटामिन के, ठीक है। बी से बेरबेरी, बी से विटामिन, बी वन विटामिन की कमी से बेरबेरी डिजीज होगी। स्कर्बी, स्कर्बी एस सी है ना, तो सी से याद करना अपने विटामिन सी, ठीक है, स्कर्बी, तो विटामिन सी की वजह से स्कर्बी होगी, बी से बेरबेरी होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल वी डिस्कस ओनली वन थिंग, कि जो डीएनए जो है ये स्ट्रक्चर जो है डीएनए का, कि किसने दिया था, ये दिया था वैटसन एंड क्रिक ने, बस इतना ही याद करना, अगर क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, बाकी ये JKS लेवल का क्वेश्चन है तो ये PSC वाले नहीं पूछ सकते, बट इतना पूछ सकते हैं कि डीएनए जो है इसकी इसका स्ट्रक्चर जो है वैटसन एंड क्रिक, साइंस का क्वेश्चन, ओके, वैटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था डीएनए का, ओके, इसको बाकी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है किसी ना किसी एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। बुद्धिस्ट की चार काउंसिल हुई हैं, तो चार की चार काउंसिल आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्धिस्ट की चार काउंसिल हुई हैं, ठीक है,
और जे एंड कश्मीर में जो है वो फोर्थ काउंसिल हुई है, तो इम्पोर्टेंट है किसके टाइम में हुई है, किसने इसको प्रेजाइडेड किया, कौन रूलर था तब कश्मीर में, तो वो इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। फोर्थ बुद्धि काउंसिल वाज हेल्ड इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी इन द कश्मीर। क्वेश्चन पढ़ लेते, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन कश्मीर फर्स्ट सेंचुरी इन द कश्मीर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग कनिष्क कुषाण रेन। तो ये कनिष्क जो किंग थे, कनिष्क वो किस रेन से थे, वो कुषाणस थे, ठीक है, कुषाणस। ड्यूरिंग दिस काउंसिल महाना एंड हिनयाना सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म गॉट सेपरेटेड, हु प्रेसाइडेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। देखो मैंने एक बताया कि कश्मीर में कौन सी काउंसिल हुई है, सिंपल सी याद करनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कश्मीर के एस नहीं कश्मीर, ठीक है, कश्मीर में हुई है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चार काउंसिल टोटल हुई है, उसमें से फोर्थ हुई है काउंसिल कहाँ पे, कश्मीर में, किसने हेड किया, कनिष्क ने, कनिष्क खुद क्या है था, बुद्धिस्ट था, इसने अडॉप्ट किया था बुद्धिज़्म, अशोका ने भी किया है बुद्धिज़्म अडॉप्ट एट दैट टाइम, क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी चल रही है ना, तो फर्स्ट सेंचुरी में बुद्धिज़्म का काफ़ी इन्फ्लुएंस था उस टाइम में। तो कनिष्क जो है फोर्थ काउंसिल इन्होंने कराई थी कश्मीर में, और बाकी क्या याद करना है इसमें, एक तो आपने याद करना, हाँ, गंदारा आर्ट जो है, GHANDHARA, गंदारा आर्ट जो है ये भी कनिष्क के टाइम में ही फेमस हुआ है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद करना है कि किसके टाइम में, कुषाण के टाइम में, और ये फोर्थ काउंसिल हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक और बात भी, एक ही बुद्धिज़्म के सेक्ट हैं दो, बुद्धिज़्म के वैसे तो तीन चार हैं, लेकिन जो मेन मेन है वो देख लेते हैं हम। एक तो आपका आ गया महायाना बुद्धिज़्म, सेक्ट की बात करूँ बुद्धिज़्म सेक्ट, एक आ गया हिनयाना, वज्रयाना, ठीक है, तो हिनयाना और महायाना, तो ये हिनयाना और बुद्धिज़्म को दो सेक्ट में जो डिवाइड हुआ था सेक्ट, ये महायाना और हिनयाना, ये फोर्थ काउंसिल के टाइम में ही हुआ है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन क्या था, हु प्रेसाइडेड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, तो इसको प्रेसाइड किसने किया था, तो ये प्रेसाइड किया था वसुमित्रा ने, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वसुमित्रा ने, अश्वघोष और वसुमित्रा दोनों थे, ASHWA, अश्वघोष ये वही है जिसने गायत्री मंत्र भी लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में, अश्वघोष एंड वसुमित्र ये हैं दोनों भाई साहब जिन्होंने प्रेसाइड किया था क्या, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। इसके अलावा ना आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट काउंसिल किसने हेड की, सेकंड कहाँ हुई, प्लेस का नाम पता होना चाहिए, थर्ड कहाँ हुई, फोर्थ कहाँ हुई, तो ये आपका होमवर्क है, तो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपने देखना है कि फर्स्ट काउंसिल बुद्धिस्ट की कहाँ पे हुई है, सेकंड कहाँ हुई है, थर्ड कहाँ हुई है, फोर्थ कहाँ हुई है, इसका मैं स्क्रीनशॉट, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ हुई है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो डिस्कस करूंगा तो लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, ये क्वेश्चन का आंसर तो उसमें भी था, टेस्ट सीरीज में भी, इसमें मेनली आपको ये डालने का मकसद सिर्फ एक ही है कि कम से कम आप मैप में जाएं, कैस्पियन सी देखें और कौन कौन सी कंट्रीज को टच कर रही है वो देखें, रेड सी कहाँ पे है, मेडिटेरियन सी कहाँ है, ब्लैक सी में, बस इतना ही काम करना है आपने, बाकी इसका कोई मतलब नहीं था क्वेश्चन डालने का, सिर्फ ये था कि आप एटलीस्ट इनको वर्ल्ड मैप पे एक बार देख लें और कौन कौन सी कंट्री इनको टच कर रही है, बस इतना काम था ये देखने का, ठीक है, आंसर ऑलरेडी आंसर की में है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, जम्मू कश्मीर राइफल इज अ इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, बस इतना ही इसका आंसर डायरेक्टली। एनी बेसेंट, क्वेश्चन नंबर 25, एनी बेसेंट फॉर्म द होम रूल लीग इन इंडिया बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द होम रूल मूवमेंट इन द आयरलैंड, बस आयरलैंड में भी चल रही थी होम रूल मूवमेंट, और एनी बेसेंट जो है ये होम रूल लीग जो है इंडिया में भी, देखो एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट भी बोलते हैं, होम रूल मूवमेंट या फिर होम रूल लीग, ये इंडिया में हमारे भाई साहब थे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक और साथ में एनी बेसेंट, दोनों ने स्टार्ट की थी 1916 में, अलग अलग की थी मतलब, लेकिन आइडिया एक ही था इंडिया को लेके, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसने स्टार्ट की, इनके न्यूज़पेपर भी ये दो, वो भी आपको पता होना चाहिए, एनी बेसेंट ने दो न्यूज़पेपर चलाए थे, एक तो न्यू इंडिया और एक कॉमनवेल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल एंड न्यू इंडिया, जो कि पिछली बार में एग्जाम में क्वेश्चन अभी आया था आपका कॉमनवेल,
और ये टेस्ट सीरीज में सेक्शनल टेस्ट में दिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट हिस्ट्री का, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। न्यू इंडिया एंड कॉमन व्हील बोथ आर द न्यूज़पेपर जो कि एनी वेसल ने स्टार्ट की थी, बीजे तिलक भी होम रूल लीग के साथ एसोसिएटेड थे और ये दोनों ने 1960 में स्टार्ट की थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि होम रूल लीग दो बंदे कौन थे, मेन दो बंदे, बाकी लीडर भी थे लेकिन बीजे तिलक एंड एनी वेसेंट, और एनी वेसेंट कांग्रेस की प्रेसिडेंट, INC प्रेसिडेंट बनाया गया इसको, ये एक क्वेश्चन मार्क है कि आपने आंसर बताना है कि कब इसको एनी वेसेंट को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। अच्छा, बीजे तिलक ने दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, एक केसरी KESARI और एक मराठी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दो न्यूज़पेपर कौन कौन से चल रहे थे उस टाइम में इनके, बीजे तिलक के, एक केसरी और एक मराठी, ठीक है। और ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 26, द फेमस बुक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर वॉज रिटन बाई, तो ये किसने लिखी है बुक, ये देखो ये किताबें कुतुबें जो लिखी है ना ये फॉरनर जो आए हैं इंडिया में, तो यार मेक श्योर कि इसके पढ़ लो आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक्स किसने लिखी है, खासकर जो मेडिवल टाइम में, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पे नाम लिखे हैं तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, आए कब है इंडिया में, कौन सा पेड़ चल रहा था और कौन सी किताब लिखी, बस इतना ही कर दोगे तो आधा काम आपका हो जाएगा। जैसे थॉमस रॉय है, ये आए थे जहांगीर के टाइम में इंडिया में, ठीक है। और जहांगीर जो है, जहांगीर के टाइम में, जहांगीर एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी इसलिए मेडिवल इंडिया में थे, मुगल के जो पेंटिंग थी वो एक ZENIT थी, ZENITH जीनथ लेवल पे या फिर बोलेंगे क्लाइमैक्स पे जो पेंटिंग थी मुगल टाइम में, वो सिर्फ जहांगीर के टाइम में थी। तो इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए, सेक्शनल टेस्ट में दिया गया है क्वेश्चन, बट पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग जो है मुगल टाइम में क्लाइमैक्स के टाइम किस पे थी, तो वो थी जहांगीर के टाइम में, ठीक है। और इसी जहांगीर के टाइम में ये थॉमस रॉय आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिट करने के लिए थॉमस रॉय आए थे और एक हॉकिन आए थे, ठीक है। दोनों नाम पता होना चाहिए कि किसके टाइम में आए थे, तो जहांगीर के टाइम में आए थे। एलबरूनी किसके टाइम में आए थे, इसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड हो जाएगा। इब्न बतूता किसके टाइम में आए थे, इसका भी टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर जो है वो आया फ्रांसिस बर्नियर जो है, फ्रैंकियोस बर्नियर जो है वो, उन्होंने ये किताब लिखी है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आपके पास आया 27 लीव इट, इसका आंसर डायरेक्ट देख लेना आपने। इसमें सिर्फ पूछना है कि डायमंड, मतलब एक तो आपने देखना है कि हार्ड कौन सा है, सॉफ्ट कौन सा है, डायमंड और ग्रेफाइट, और दूसरा गुड कंडक्टर है या नहीं है, बस बैड कंडक्टर वो देखना है। मेगास्थेनिस विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, तो ये कब विजिट किया था मेगास्थेनिस ने इंडिया में, ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेगास्थेनिस विजिटेड ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य ने विक्रमादित्य के टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में इन्होंने विजिट किया था, किसने, मेगास्थेनिस ने, ये इंपॉर्टेंट है। मौर्य का वंश चल रहा था इंडिया में उस टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिमेन्स ऑफ द विजयनगर अम्पायर कैन बी फाउंडेड एट, तो रिमेन्स जो विजयनगर अम्पायर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, विजयनगर अम्पायर, हु फाउंडेड द विजयनगर अम्पायर, ये भी क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द विजयनगर अम्पायर बुक का, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, फाउंडेड द विजयनगर अम्पायर, इसकी कैपिटल कहाँ थी, ये थी हम्पी में, हम्पी आज की डेट में भी देखोगे ना तो हम्पी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको इसके बारे में देखना, तो ये भी है कि हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट, प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस इंटीग्रल पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, हाँ। पहले तीन जजमेंट आई है, तीनों के तीनों पता होना चाहिए आपको, एक तो बेरवर यूनियन, एक केशवानंद भारती केस और LIC केस, ठीक है, बेरवर यूनियन, केशवानंद भारती केस और LIC केस। तो इस केस में बोले बेरवर यूनियन में बोला था प्रीएम्बल पार्ट नहीं है, इसमें बोला पार्ट है, इसमें LIC केस 1995 में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट में कई केस थे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये पूछा गया था, ये एक को प्रश्न उठा था कि प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है, तो बेरवर यूनियन में उन्होंने बोला कि ये प्रीएम्बल पार्ट नहीं है,
फिर केशवानंदा भारती केस 1973 का जो केस, केशवानंदा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ, बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर जो दिया है उन्होंने, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो किसके रिलेटेड है, वो केशवानंदा भारती केस के रिलेटेड है। तो इसमें बोला इन्होंने पार्ट है, सिर्फ बोला पार्ट है इस केस में, और LIC केस में बोला इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। क्या कहा था, तीन केस आए हैं प्रियम्बल को लेके कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बेरबर यूनियन में क्या बोला उन्होंने, पार्ट नहीं है, प्रियम्बल पार्ट नहीं है। केशवानंदा भारती केस में बोला पार्ट है, बेरबर यूनियन में बोला प्रियम्बल पार्ट नहीं है, केशवानंदा भारती केस में बोला पार्ट है। ओम नमः शिवाय। ओके, तो इसमें आ गया बेरबर यूनियन में नहीं, फिर आ केशवानंदा भारती केस में यस, और लास्ट में आके आ गया LIC केस, LIC केस में बोला इंटीग्रल पार्ट है, बस यही है। तो इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट हैव बीन पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल सिंस इंसेप्शन। देखो SSI याद करना है अपने, SSI, ठीक है। तो SSI वर्ड जो है, एक आ गया सेकुलर, सेकुलर सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी सोशलिस्ट, ये जो वर्ड हैं जितने भी तीनों के तीनों, ये ऐड किए गए थे आपको प्रीएम्बल को अमेंडमेंट किया था 1976 में, जब इंडिया में इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। 1976 में SSI वर्ड को यूज़ किया गया है, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, उसको प्रीएम्बल में जोड़ा गया है। तो जब प्रीएम्बल, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा, तो तभी से तो प्रीएम्बल भी था ना, तो तब ये सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं थे, ठीक है। ये बाद में ऐड किया गया है, इनको किया 76 में, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। ये सही है, वन सही है, दूसरा गलत है। आंसर देखते हैं, हाँ वन सही है, ए आंसर है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 का, मैंगो शावर इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो ये आपको बताना है। तो इसका डायरेक्टली आंसर है केरला और कर्नाटका जो है मैंगो शावर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये PSI में अभी आ चुका है, और अलग अलग ARCS में साइज से या फिर KS में अलग पेपर में आ चुका है बार बार, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जो है, द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एनश्राइन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर इंस्पायर्ड फ्रॉम। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो आइडिया है लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये जो आप देखते हैं प्रीएम्बल में है ये, ठीक है, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ये प्रीएम्बल में दिए गए, ये कहाँ से इंस्पायर्ड किए हैं, तो ये किया है फ्रेंच रिवोल्यूशन से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दूसरा जो है जैसे जस्टिस इक्वालिटी तो वो किया हमने रशियन रेवोल्यूशन से, तो इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट USA से, चाइना से कुछ नहीं, ठीक है। तो आंसर इसका है ए, फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट एज ए फिजिशियन टू प्रिंस दाराशिको, तो दाराशिको के फिजिशियन कौन थे, तो हकीम अफजल खान, फ्रांसिस बर्नियर, तो मुझे लगता है फ्रांसिस बर्नियर ही थे, इवन बतूता तो नहीं है, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये बर्नियर जो थे ये इनके फिजिशियन हुआ करते थे, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश नीति आयोग इन 2015 टू रिप्लेस, 2015 में नीति आयोग को बनाया गया है, नीति, इट इज़ अ एग्जीक्यूटिव बॉडी नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पहली बात ये आपको पता होना चाहिए, मतलब इसने रिप्लेस किसको किया, पहले तो पता ही होना चाहिए, इसने किया है प्लानिंग कमीशन को, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, इसको अब नाम दिया गया है नीति। नीति की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि नीति की फुल फॉर्म क्या है, और साथ में ये 2015 में बनाया गया है, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जस्ट वेट। ओके, इसका है नेशनल नीति आयोग की फुल फॉर्म आपको बतानी चाहिए ना, मैंने बताया कि इट जो प्लानिंग कमीशन था, नीति आयोग जो है एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से इसको बनाया गया है, पहली बात। इट इज़ नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नीदर, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नार स्टैचुरी बॉडी, ठीक है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैचुरी बॉडी है, ठीक है। नीति आयोग, पहली लाइन ये पता होना चाहिए, इसने किसको रिप्लेस किया है, प्लानिंग कमीशन को किया है, कब किया, मोदी सरकार आने के बाद, मोदी सरकार आई है 2015, ठीक है, तो 2014 में आई है, 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है उन्होंने। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है नीति की, ठीक है। इट इज़ अ थिंक टैंक, जितनी पॉलिसी बनती हैं यही बनाती है, थिंक टैंक भी इनको बोला जाता है, ठीक है। नीति, नीति मतलब नीति हो गया कि पॉलिसीज बनाना, नीति, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फुल फॉर्म आपको पता हो, ठीक है, क्योंकि छोटे लेवल का एग्जाम होगा, मतलब छोटे लेवल कहने मतलब कि एक यूपीएससी लेवल आता है, फिर केएस लेवल आता है, फिर आपका जेकेएसएसबी का लेवल आता है, तो जेकेएसएसबी लेवल पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नीति आयोग की फुल फॉर्म सुनाओ, नेटो की फुल फॉर्म सुनाओ, किसी और की फुल फॉर्म सुनाओ, इसरो की फुल फॉर्म सुनाओ, ठीक है। तो ये वाली आपको याद करनी करनी है ना। और होता क्या है कि भाई जो भी एस्पिरेंट केएस या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो ये फुल फॉर्म ही याद कभी कभी स्किप कर देते हैं, क्योंकि हाई लेवल का पढ़ा होता है। तो मेक श्योर कि आपको ये उनके लिए जो मतलब केएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीएसआई का पेपर दे रहे हैं, मेक श्योर कि आप ये छोटी छोटी गलती ना करें, नीति आयोग की फुल फॉर्म ही भूल गई, क्वेश्चन आ गया या इसरो का क्वेश्चन आ गया, इसरो क्वेश्चन तो सबको पता ही होगा, लेकिन जैसे नेटो की फुल फॉर्म है अगर वही गलत होगी तो क्वेश्चन चला गया ना। एक नीति आयोग की, नीति की फुल फॉर्म अगर वहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जहाँ को छोड़ दे दिया फिर, तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसलिए क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो शायद मैंने भी कभी की थी और कोई और भी कर सकता है, तो इसको करेक्ट करना है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ग्लेशियर एंड लोकेशन इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें बताना है कि कौन सा मैच नहीं है, नहीं है, नहीं है मैच। नुब्रा वैली ग्लेशियर लद्दाख में है, यस, नुब्रा वैली तो उधर ही है ना, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज मैप ऑफ इंडिया, चलो ये एक बार मैप देख लेंगे, इसके बाद में मैप दिखा दूंगा आपको, एंड में दिखा दूंगा सब जम्मू कश्मीर का पूरा मैप, क्योंकि अभी क्वेश्चन चल रहे हैं तो फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। ये नुब्रा वैली आ गई, तो इट इज़ लोकेटेड, जैसे ये लद्दाख आ गया आपका पूरा, ये जे एंड के, ठीक है, और यहाँ पे है नुब्रा वैली, नुब्रा वैली से जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भी इसी साइड है, ये भी आपको पता होना चाहिए सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है। यहाँ पे आ गया नुब्रा वैली, और यहाँ से एक रिवर निकलती है, उसका नाम क्या है, शायोके, ठीक है। मेनली क्वेश्चन था कि लद्दाख में है या नहीं है, हाँ लद्दाख में ही है, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में नहीं, सियाचिन ग्लेशियर अभी बताया ना मैंने कि ये पहले हुआ करता था, एक टाइम था सियाचिन ग्लेशियर जम्मू को, लेकिन जब से यूटी बन गई है, ये तो यूटी अलग बन गई ना, तो ये यूटी लद्दाख, ये जे एंड के, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे, नुब्रा वैली यहाँ पे, दोनों कहाँ पे हैं। और एक और चीज़ जो याद करनी है आपने, जो कि इंपॉर्टेंट है, कि जो इंदस रिवर आ रही है ना, वो यहाँ से आ रही है, यहाँ से जा रही है, तो जे एंड के से टच ही नहीं कर रही है। तो प्राणी अगर कोई बुक देखोगे मार्केट में, तो उसमें क्या होगा कि ये सारे क्वेश्चन ऐसे लिखे होंगे, नुब्रा वैली जम्मू कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर, ये नहीं है, वो लद्दाख में हो चुका है, इंदस रिवर जम्मू कश्मीर से नहीं जाती है, वो लद्दाख से जाती है। सिंपल मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि जब से यूटी बन चुकी है अलग अलग, तो मेनली चीज़ें चेंज हो गई। अब आप बोलोगे कि अफगानिस्तान के साथ इंडिया का जम्मू कश्मीर का बॉर्डर टच करता है, तो नहीं, लद्दाख का टच कर रहा है, बेशक वो पीओके का एरिया है, लेकिन ऑफिशियली हम तो नहीं दे रहे ना पाकिस्तान को, तो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर टच करता तो लद्दाख करता है, जम्मू कश्मीर का नहीं करता, जम्मू कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान के साथ इधर बॉर्डर टच कर रहा है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ लद्दाख भी कर रहा है, तो ये चीज़ याद रखनी है, चाइना के साथ जम्मू कश्मीर नहीं टच कर रहा है, सिर्फ लद्दाख कर रहा है टच। छोटी छोटी मिस्टेक को रेक्टिफाई करना होता है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर नहीं है, तो बी पार्ट नहीं है। नुब्रा वैली ग्लेशियर दैट इज आल्सो करेक्ट, बट बी वाला नहीं है। देखते हैं अभी कुछ क्या है। फिर आपका आ गया बागा वैली ग्लेशियर, दिस इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, राइट, जैमू ग्लेशियर लोकेटेड इन द सिक्किम, तो बी इसका आंसर होगा, जो कि जैमू ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द सिक्किम, तो इसका आंसर क्या था, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, लद्दाख में है, बस ये करेक्टली मैच नहीं है, यहाँ पे लद्दाख आएगा। वो क्वेश्चन नंबर 36 पे जाते हैं,
क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 में आपने तो मेनली याद करने वाली चीज़ क्या है, ये एक तो आपने ये याद करना है आपने कि द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज एनेक्सेशन पॉलिसी फॉलोड वाइडली बाय द लॉर्ड डलहौजी व्हेन ही वाज इंडियाज गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 से लेके 56 तक। गवर्नर जनरल रहे हैं कौन? लॉर्ड डलहौजी DALHO। देखो आप कभी हिमाचल प्रदेश जाते हो ना, डलहौजी करके एक जगह का नाम है, तो इन्हीं के नाम से है। तो वो कभी कभी जब गर्मियाँ वो हुआ करती थी तो वहीं पे जाते थे वो। ठीक है, तो इनका जो किस टाइम में ये थे 1848 से लेके 56 तक। तो इंडिया में ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया था ना तब, तो गवर्नर जनरल जो थे, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री, गवर्नर जनरल थे इंडिया के ये, और लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यूज़ करके एनेक्सेशन पॉलिसी जो थी। तो क्वेश्चन आ सकता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है कौन से गवर्नर जनरल ने यूज़ की थी? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का एक और काम जो इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने रेलवेज इन इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट है कि रेलवे किसने स्टार्ट किया था इंडिया में। तो ये इन्होंने 1853 इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हम ब्रिटिश चले गए हैं, 1853 में रेलवे स्टार्ट किया था डलहौजी ने। पोस्ट जो आज की डेट में पोस्ट ऑफिस जाते हैं ना, ये पोस्ट भी इन्होंने स्टार्ट किया था, रेलवे भी इन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन हाईएस्ट एक क्वेश्चन और भी आता है कि रेलवे स्टार्ट किसने किया? डलहौजी ने किया। लेकिन रेलवे की लार्जेस्ट कनाल जो एक्सटेंट बोलेंगे तो वो इन्होंने नहीं किया था, वो लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड कर्जन के टाइम में रेलवे का एक्सटेंशन हुआ है। लॉर्ड कर्जन जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे 1905 में बंगाल की पार्टीशन की थी, उसके पीछे यही बंदा था। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपने याद देखना है कि देखो एस एस बी ये याद करना आपने। सबसे पहले नेक्स्ट किया था इन्होंने संबलपुर को, सतारा को, फिर संबलपुर को, फिर भगत। ठीक है, जेके एस एस बी है ना, JKSSB, ट्रिक बता रहा हूँ ना आपको। तो आपने याद करना सबसे पहले किसको इनेक्स किया था इन्होंने, तो SSB, तो SSB हो गया, SSB संबलपुर को, फिर सतारा को, फिर आपका संबलपुर। ठीक है, और फिर आपका ये तीसरा। तो क्वेश्चन आ सकता कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इनेक्सेशन पॉलिसी में सबसे पहले इन्होंने किसको इनेक्स किया था, तो सिंपल SSB। ठीक है, संबलपुर सतारा को किया था, सतारा इज लोकेटेड इन द महाराष्ट्र। ठीक है, और फिर संबलपुर को, फिर वैसे वैसे करके। तो ये सारे जितने भी हैं ये करेक्ट डाटा है, वो आपने याद करना है। और अवध को जो है, इसका आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव। अवध जो है, अवध को इन्होंने मिस रूल की वजह से किया है, मिस रूल। ठीक है, मिस रूल की वजह से उनको इनेक्स किया है। तो इंपॉर्टेंट है, क्या आपको बताना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए। डॉक्टर ऑफ लैप्स किसने लाई? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने और क्या काम किया है? रेलवे का काम किया है, रेलवे स्टार्ट की थी इंडिया ने। और किस किस को एनेक्स किया है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बता दिया, जो एग्जांपल दी है इतना ही है जो कि आप याद करने हैं। फार्मूला है SSB, कम से कम तीन आपको पता होना चाहिए, सतारा, फिर संबलपुर, भगत। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले सतारा को इन्होंने एनेक्स किया था। 37 जो है, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 इंट्रोड्यूस बाई कॉर्नवालिस इज रिलेटेड टू, तो ये था जमींदारी सिस्टम को के लिए था। तो डायरेक्टली इसका आंसर आएगा जमींदारी सिस्टम। ठीक है, तो ये किसने, ये क्वेश्चन आएगा परमानेंट सेटलमेंट कब लाया गया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये आएगा 1793, किसने लाया था? ये कॉर्नवालिस ने लाया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इंपॉर्टेंट किसके रिलेटेड था? जमींदारी सिस्टम, बस इतना इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। ठीक है, आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा अदरवाइज। ठीक है, तो ये डिटेल में डिस्कशन करने का मतलब ये है कि आपको कुछ चीज़ें याद भी होंगी, ये रिवीजन भी होगी, तो इसलिए था। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये जो स्क्रीन पे दिया था, आज थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं है इसलिए मैं लेक्चर कंटिन्यू आगे नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, और पढ़ें, बढ़ें, और कंटिन्यूटी देखो, एग्ज़ाम आपका एक तो डिस्कशन ये थी कि नवंबर में होगा या दिसंबर में होगा, भाई साहब एग्ज़ाम कभी भी हो, आपको तैयारी अपनी 100% पहले से ही रखनी है, चाहे वो नवंबर 15 को हो या 15 दिसंबर को है। ठीक है, अब एजेंसी चेंज हुई है तो एजेंसी रिजेक्ट हुई है पहले वाली, अब दूसरी आई एजेंसी कोई भी आएगी, तो पेपर तो किसी और एजेंसी ने डाला है ना,
तो पेपर डिफिकल्ट भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, वो अपने वर्स्ट कंडीशन के हिसाब से जितना हो सकता है उतनी तैयारी करें अच्छे से, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे अपडेट हम देते रहते हैं। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और आने वाले टाइम में हम जितने भी मॉक 1 से लेके मॉक 5 तक हैं वो डिस्कस करेंगे, साथ में करंट अफेयर का जो रहेगा, करंट अफेयर के क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट उसी में टेंशन में रहते हैं, तो करंट अफेयर में जितने भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं इसमें SSB में, तो वो हम कवर कर ही देंगे आने वाले टाइम में। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।